हाँ जी, सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है थोड़े सारे का। हाँ जी, अज आप करांगे पी ट्रिपल एस वी क्लर्क एंड वीडियो मतलब ग्राम सेवक का कंप्लीट कंप्यूटर, जिन्ना भी अपना कंप्यूटर का सिलेबस बनता गा आप सारा कंप्लीट करांगे। ये अपना एम एस वर्ड हो गया, एक्सल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गए, जा कंप्यूटर के होर जिन्हें भी टॉपिक बनते हैं आप सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, आप कंप्यूटर दिए चार तो लैके पांच वीडियो बनावांगे, तो उन्होंने चार तो लैके पांच वीडियो में तुहाड़ा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जूगा। जे तुहानू कोई पेपर भी प्रिपरेशन देखने को मिलेंगे वो इन्हां विचों देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली अपनी, इस करके सारे विद्यार्थियों ने वीडियो ध्यान नाल देखना गा, ध्यान नाल सुनना गा, तो वीडियो नूं पूरा जरूर देखना। ठीक है जी, तो बहुत ही वधिया ढंग नाल बनाई आपां वीडियो, आपां वीडियो नूं अलग अलग भागां विच वंडता, जिवें एम एस वर्ड बारे अलग पढ़ांगे, एक्सल बारे अलग पढ़ांगे, पावर पॉइंट बारे अलग पढ़ांगे, इंटरनेट बारे अलग पढ़ांगे, कंप्यूटर फंडामेंटल बारे अलग पढ़ांगे। ठीक है जी, तो पढ़ांगे भी उही अपना जो पेपर में आ सकता। ठीक है जी, इन्हां विचों कुछ प्रश्न ने जो पहला पेपर में बार बार रिपीट होंदे आगे, तो कुछ प्रश्न वो ने जो पेपर में आ सकते हैं, तो बाकी आप जो भी थोड़े अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन सैट किए हुए आगे। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली हैगी, इस करके सारे विद्यार्थियों ने वीडियो में ध्यान देखना गा, ध्यान ना सुनना गा, तो वीडियो नूं पूरा जरूर देखना। ठीक है जी, तो चलो जी फिर आप स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, प्रश्न नंबर एक देखो, एम एस वर्ड केड़ी फाइल नाल शुरू हुंदा। हाँ जी, केड़ी फाइल नाल शुरू हुंदा, इत्थे हमारा राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आजू। ठीक है जी, विनवा डॉट ई एक्सी। हुण एक प्रश्न आता हुंदा गा, विनवा डॉट ई एक्सी केड़ी फाइल हुंदी हैगी, केड़ी फाइल हुंदी हैगी, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल हुंदी है। ठीक है जी, इस फाइल तो बिना जिहड़ा एम एस वर्ड हैगा वह स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ठीक है जी, वो चल नहीं सकता, ये नोट करो, ये अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल हुंदी हैगी। एक प्रश्न यह भी आता हुंदा, कित्थे पई हुंदी हैगी, ये पई हुंदी अपनी माई कंप्यूटर। ठीक है जी, उस तो बाद अपना एम एस ऑफिस विच एक ऑफिस 16 नाम की फाइल पई होगी, ऑफिस 16 नाम की फाइल पई होगी, वो अपनी कि फाइल पई हुंदी हैगी, विनवर्ड डॉट ई एक्सी। ठीक है जी, विनवा डॉट ई एक्सी फाइल कितने पई होंगी हैगी, ऑफिस 16 नाम की फाइल में पई होंगी। ठीक है जी, ये प्रश्न भी पूछा जाता होंगे गा। सो सारिया गलों की कर लेना गा, नोट कर लेना। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर दो देखो, एम एस वर्ड में बुक मार्क्स का की इस्तेमाल होंगे है। हाँ जी, मान लो तुम एक डॉकूमेंट तैयार कर दोगे 150 पेजा का, हूँ 150 पेज डॉकूमेंट में तुम कितने की लिखा गा, कि सैक्शन में की लिखा गा, भावें तुम एक या दो दिन तो याद रख सकते होंगे, पर जे तुम 1.5 या 2 महीने बाद उही फाइल ओपन कर दोगे तो हमें याद नहीं रहना। ठीक है जी, सो इस लिए कहदा इस्तेमाल किया जाता गा, बुक मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता। ठीक है जी, हूँ मान लो आप इतने लिखे पंजाब एग्जाम 07। ठीक है जी, ये लिखा हुआ अपना, सो आप इनू याद रखना गा, कई पेजा लिखा हुआ है, अपने याद रखना इनू किमें रखेंगे, सो आप इतने करसर लिया के की करांगे, इनसर्ट टैब पर क्लिक करांगे। ठीक है जी, इनसर्ट टैब तो सारे पता उपर दते होंगे। ठीक है जी, होम इनसर्ट रिव्यू, सो आप इनसर्ट टैब पर क्लिक करांगे, उस तो बाद आपको ये ऑप्शन मिल जूगा बुक मार्क्स का, सो आप की करांगे बुक मार्क्स उपर क्लिक करांगे। ठीक है जी, उस तो बाद एक बॉक्स खुल जूगा, ये बॉक्स आपको पूछूगा भी किहड़े नाम नाल सेव करना। ठीक है जी, किहड़े नाम नाल ऐड करना गा, सो आप इतने की लिख देंगे, मान लो एच लिखता। ठीक है जी, किसी भी नाम नाल आप की कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, फिर आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, आप की करेंगे ऐड पर क्लिक करेंगे, सो अपना की है जिहड़ा पंजाब एग्जाम 07 जिहड़ा वर्ड हैगा वो ऐड हो जूगा। ठीक है जी, बुक मार्क्स में नोट होगी गल, तो मान लो हूँ आप 1.5 या 2 महीने बाद यही फाइल ओपन कर देंगे, हूँ आपको लभण की लड़ नहीं हैगी, आप की करेंगे सीधा इनसर्ट टैब ओपन करेंगे। ठीक है जी, उस तो बाद आप बुक मार्क्स पर क्लिक करेंगे, ये बॉक्स खुल जूगा, आप एच लिखी हुई थी। ठीक है जी, आप एच पर क्लिक करेंगे, उस बाद आप ऑप्शन मिल जूगा गो टू का। ठीक है जी, सो आप की करेंगे गो टू पर क्लिक करेंगे, सो आप सीधा कितने पहुँच जाएंगे, पंजाब एग्जाम 07 दे पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, जिथे कि बेस्ट स्टडी होंगी है। ठीक है जी, सो आप इतने पहुँच जाएंगे, समझ आ गई गल, सो अपना ऑप्शन की आजूगा, सो अपना ऑप्शन आजूगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, टू क्विकली जंप टू अ स्पैसीफिक लोकेशन इन द डॉकूमेंट। ठीक है जी, किसी भी स्पैसीफिक लोकेशन पर जल्दी तो जल्दी जाने लिए कि इस्तेमाल किया जाता है, बुक मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता। ठीक है जी, ये पेज लिए भी किया जाता इस्तेमाल, मान लो तुम सीधा 80 नंबर पेज पर जाना चाहते होगे, बुक मार्क्स भी तुम्हें लिखता 80 नंबर पेज। ठीक है जी, तो सीधा उत्थे भी जा सकते होगे, पेज लिए, सेंटेंस लिए, एक वर्ड लिए, ठीक है जी, पैराग्राफ लिए, से सारे लिए यूज़ होंगे गा, सो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होंगी है कि कहदा बुक मार्क्स का। ठीक है जी, ये नोट करो, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 3 देखो, वर्ड डॉकूमेंट की डिफॉल्ट एक्सटेंशन की होंगी है। हाँ जी, सबनों पता होना गा, एम एस वर्ड दी 3 एक्सटेंशन याद रख लियो, एक तो 2003 होंगी सी, कि डॉट डी ओ सी। ठीक है जी, नंबर 1, नंबर 2007 तो बाद, 2007 एंड अबव। ठीक है जी, 2007 के 2007 तो बाद जिन्हें भी वर्जन आए एम एस वर्ड के उन्होंने सारे कि एक्सटेंशन यूज होंगी है डॉट डी ओ सी एक्स। ठीक है जी, कि एक्सटेंशन यूज होंगी डॉट डी ओ सी एक्स, तो एक होंगी अपनी डॉट डी ओ सी एम।
डॉट डी ओ सी एम, ठीक है जी। एक कादे लई यूज हुंदी आ, इह यूज हुंदी आ अपनी मैक्रोज लई, इह वी प्रश्न आउंदा हुंदा एम एस वर्ड विज मैक्रोज लई किहड़ी एक्सटेंशन यूज हुंदी हैगी, डॉट डी ओ सी एम, ठीक है जी। सो तीन याद हो गई, एक तो 2003 विच हुंदी सी अपनी, हुण तां नहीं हुंदी, ठीक है जी, तीन तो इस्तेमाल ही नहीं हुंदा हुण। 2003 विच किहड़ी एक्सटेंशन हुंदी सी, डॉट डी ओ सी। 2007 तो बाद जिन्हें भी वर्जन आए एम एस वर्ड के उन्होंने किहड़ी हुंदी है, डॉट डी ओ सी एक्स हुंदी है, ठीक है जी। तो एक हुंदी है डॉट डी ओ सी एम मैक्रोज लई हुंदी है, ठीक है जी। ये भी प्रश्न आउंदा हुंदा एम एस वर्ड विच मैक्रोज फाइल लई किहड़ी एक्सटेंशन यूज हुंदी हैगी, डॉट डी ओ सी एम हुंदी है, ठीक है जी। सो तीन हुंदियां ने, कि तीन याद रख लो। अपना राइट ऑप्शन की आजूगा, अपना राइट ऑप्शन इतने आजूगा डॉट डी ओ सी एक्स आजूगा, ठीक है जी। हुण मान लो इतने कुछ भी नहीं लिखा, 2003 भी नहीं लिखा हुआ, 2007 भी नहीं लिखा हुआ, आप मना कि आप 2007 लेके चलेंगे, ठीक है जी। आपे की लैके चलेंगे उन्होंने 2007 लैके चलेंगे, क्योंकि 2007 तो बाद जिन्हें भी एम एस वर्ड के वर्जन आए गए वो लगभग सेम ही ने, ठीक है जी। 2007 ना मेल खाते हैं, पर जो 2003 सीगा ये सारे नो अलग सीगा, ठीक है जी। सो आप की लैके चलेंगे 2007 नो लैके चलेंगे, जे मान लो कोई भी ईयर नहीं लिखा हुआ, क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 4 देखो, एफेड की नू 3 बार दबाने की होगा। तो देखो जी, जे 2 बार दबाने हो तो एक वर्ड सिलेक्ट हो जूगा, ठीक है जी। जे 3 बार दबाने हो एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जूगा, जे 4 बार दबाने हो एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जूगा, जे 5 बार दबाने हो तो इंटायर का जरा सारा सारा डॉकूमेंट है, इंटायर डॉकूमेंट ये सारा सिलेक्ट हो जूगा, ठीक है जी। सो इन्होंने की पूछा गया 3 बार दबाने नाल, सो अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, ठीक है जी, क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 5 देखो, ओपन डायलॉग बॉक्स में ओपन करने लिए किहड़ी शॉर्टकट की वरतों की जाती है, हाँ जी किहड़ी शॉर्टकट की वरतों की जाती है। इतने हमारा राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस F12, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस F12 दबाओगे एक अपना बॉक्स खुलूजूगा, जिसे तो जी पहलों तो सेव फाइलें ने गियाँ देखने मिल जाएगियाँ, उसे किसी भी फाइल से क्लिक करके की कर सकते हो, फाइल में ओपन कर सकते हो, ठीक है जी। ये भी आप 3 तरीके कर सकते हैं, एक तरीका तो अपना आई हो गया, ठीक है जी। एक तरीका अपना दूसरा हो गया, जो अपना फाइल का मीनू हों, ठीक है जी, कॉर्नर में लिखा हों फाइल ज ऑफिस का बटन हों, ये आप क्लिक करा, उस तो बाद अपन ऑप्शन मिल जाएंगे न्यू ओपन क्लोज, ठीक है, सेव। सो आप इतने ओपन से क्लिक करके आही बॉक्स खोलू जूगा, आप इतों कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया अपना दूसरा तरीका। हूँ तीसरा तरीका सबनों पता होना चाहिए गा, कंट्रोल प्लस ओ दा, ठीक है जी। ये सबन पता होना, सब ने पढ़िया होना गा। सो 3 तरीके हो गए, एक तो कंट्रोल प्लस F12 भी ना ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी, ओपन डायलॉग बॉक्स। एक तो फाइल या ऑफिस मीन्यू पर क्लिक करके इतों भी ओपन कर सकते हैं, एक जो आप कंट्रोल प्लस ओ नाल भी की कर सकते हैं गे, ओपन डायलॉग बॉक्स में ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये 3 नोट कर लो, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 6 देखो, तुसी वर्ड में डॉकूमेंट को किन्ने तरीके से सेव कर सकते हो, हाँ जी किन्ने तरीके से सेव कर सकते हो, 3 तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। कि एक तो जिम्मे थोड़ा दसा जी फाइल, फाइल ज ऑफिस मीनू, ठीक है जी। इतने आपको सेव ज सेव है लिखा मिल जूगा, जो इतने क्लिक करा इतों भी कर सकते हैं, एक तरीका हो गया। तो दूसरा तरीका अपने किहड़ा हो गया, कंट्रोल प्लस एस नाल, ठीक है जी। जो अपनी करंट फाइल खुली हुई अपन सीधा कंट्रोल प्लस एस दबाँगे वो सेव हो जाएगी, ठीक है जी। तो तीसरा तरीका अपना किहड़ा है, तीसरा तरीका अपना F12 ना, ठीक है जी। F12 आप कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। हूँ सेव तो सेव एज में की फर्क होंगे गा, बस सेव एज में इन्ना ही फर्क होंगे गा, सेव एज हों भी तुम फाइल में कि नवे नाम सेव करना चाहते हो, ठीक है जी। जो मान लो तुम F12 दबोगे उसे थोड़े सामने बॉक्स खुलूगा, ठीक है जी। जो हम कंट्रोल एस दबोगे सीधे ही सेव हो जूगी, पर जो F12 दबोगे थोड़े सामने बॉक्स खुलूगा, वो तो पुछूगा भी किड़े नाम सेव करना चाहते हो, तुम कोई भी नवा नाम दे के उन्होंने सेव कर सकते हो, ठीक है जी। सो आप 3 तरीके की कर सकते हैं, किसी भी फाइल में एम एस वर्ड में सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 7 देखो, तो सॉरस टूल की वरतों एम एस वर्ड में किस लिए की जाती है, हाँ जी ये की जाती है, ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, सिनोनिमस वर्ड लई, ठीक है जी। सिनोनिमस वर्ड मतलब समान अर्थ वर्ड लई। ये कितने पाया हों गा, मान लो तुम एक वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, एम एस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। उस तो बाद करना गा रिव्यू टैब पर क्लिक करना गा, रिव्यू पर क्लिक करके अपन उत्थे की मिल जूगा, थेसॉरस लिखा मिल जू, ठीक है जी। थेसॉरस का ऑप्शन मिल जूगा, आप करेंगे थेसॉरस पर क्लिक करा, ठीक है जी। उस तो बाद अपना की हो जाऊ, अपने सामने एक बॉक्स खुलू जूगा इतने कॉर्नर में, उसके विच अपनों जिहड़े सिनोनिमस वर्ड ने सिमिलर वर्ड ने गे एम एस वर्ड न मिलते जुलते वो अपन की ने गए देखने मिल जाएंगे, ठीक है जी। जो भी आप वर्ड चुनिया होगा वह संबंधित अपन जो सिनोनिमस वर्ड ने वो देखने मिल जाएंगे, उन्हें जो भी आप यूज़ करना जिंकी भी आप वरतों करनी है वो क्लिक करके आप कर सकते हैं, वो वरतों कर सकते हैं, ठीक है जी। सो यह यूज़ कहते हैं थेसॉरस टूल का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर पूछा जाता है सिनोनिमस वर्ड लई, ठीक है जी, समानार्थक वर्ड लई, या तो सिमिलर वर्ड भी लिखा देखने मिल जूगा, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 8 देखो, कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग,
तो देखो जी जो अपना कॉलम डायल बॉक्स आगा इतों का राइट ऑप्शन आजूगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, उपरोक्त तीन तरीके आप कर सकते ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखिए जी तुम पेज लेआउट तो क्लिक करते हो, पेज लेआउट तो सबनों पता होना गा। ठीक है जी, रिबन टैब अपना पेज लेआउट तो आप क्लिक किया तो उस तो बाद आपको देखने मिल जूगा उत्थे कॉलम का ऑप्शन देखने मिल जूगा। ठीक है जी, आप कॉलम पर क्लिक किया उस तो बाद एक ऑप्शन नीचे देखने मिल जूगा मोर कॉलम्स की देखने मिल जूगा मोर कॉलम्स। ठीक है जी, तो जो आप मोर कॉलम्स पर क्लिक करांगे अपने सामने की होजूगा कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जूगा। ठीक है जी, क्लीयर होगी गल। तो ऑप्शन नंबर ए एक हो गया, तो दूजा देखिए डबल क्लिक ऑन द कॉलम ऑन इन रूलर बार। मैं रूलर बार की होंगी हैगी, तुम एम एस वर्ड में इतने एक बार देखी होनी हैगी। ठीक है जी, उपर डॉकूमेंट के उन्होंने की कहें रूलर बार कहें है। मान लो अपने इतने एक आ कॉलम बनया हुआ, इतने स्पेस आ गई, आ कॉलम बनया हुआ, इतने स्पेस आ गई, आ कॉलम बनया हुआ। सो जिते स्पेस आ गई उत्थे जे आप डबल क्लिक करांगे फिर भी अपना की होजूगा कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जूगा। ठीक है जी, सो ये हो गया अपना दूसरा तरीका। तो हम आप जो तीसरे तरीके की गल करिए है अपनी शॉर्टकट की। ठीक है जी, ये हम याद रखनी बनी सबनों आल्ट प्लस ओ प्लस सी। ठीक है जी, ये है अपना तीसरा तरीका, हम सारे याद रख लो तिने। ठीक है जी, प्रश्न अक्सर पूछे जाता कॉलम डायलॉग बॉक्स रिलेटड, कई बार पूछे जाता पेपर में। पहला तरीका किहड़ा गा, पेज लेआउट ते क्लिक करांगे उत्थे आपां नूं कॉलम देखण नूं मिल जू लिखा। ठीक है जी, फिर कॉलम ते क्लिक करांगे मोर कॉलम्स दा ऑप्शन देखण नूं मिल जूगा, जदों आपां उह ते क्लिक करांगे अपना कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जूगा। ठीक है जी, डबल क्लिक ऑन कॉलम्स इन स्पेस इन रूलर बार। जे आपां जिहड़ी रूलर बार हुंदी हैगी, जे रूलर बार विच स्पेस दित्ती हुंदी जिते स्पेस हैगी उत्थे डबल क्लिक करांगे फिर भी अपना की होजूगा कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जूगा। ठीक है जी, ते तीसरा तरीका अपना जिहड़ी है शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस ओ प्लस सी। ठीक है जी, ये प्रेस करन नाल वी अपना जिहड़ा की हैगा कॉलम डायलॉग बॉक्स आ जिहड़ा ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, सो ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। उपरोक्त तीन तरीके आप कर सकते हैं कॉलम डायलॉग बॉक्स में ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया सारे। जो कुछ भी पता नहीं लगता कि कृपा करके कमेंट करके जरूर पूछ लो। ठीक है जी, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेगे। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 9 देखो, एम एस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट फॉन्ट किहड़ा दिता हुंदा है। हाँ जी, ये तो सबनों पता होना गा किहड़ा दिता हुंदा है। इत्थे हुण राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर सी कैलिबरी दिता हुंदा। ठीक है जी, 2007 तो बाद एम एस वर्ड के जिन्हें भी वर्जन आए उन्होंने सारे में किहड़ा फॉन्ट हुंदा गा डिफॉल्ट कैलिबरी दिता हुंदा। ठीक है जी, तो टाइम्स न्यू रोमन एक किहड़े दिता हुंदा जी 2003 में। ठीक है जी, ये भी तुम्हें की करना याद रख लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 10 देखो, मार्जिनस नूं चेंज करन लई तुसीं हेठ लिखे विच्चों किसदा इस्तेमाल करोगे। हाँ जी, किसदा इस्तेमाल करोगे, इत्थे हमारा राइट ऑप्शन की आऊगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आऊ। ठीक है जी, पेज सैटअप डायलॉग बॉक्स। हुण जिहड़ा अपना जिहड़ा पेज सैट डायलॉग बॉक्स आगा ओपन कित्थों हुंदा गा, यह भी अपना कित्थों ओपन हुंदा, रूलर बार तो ओपन हुंदा। ठीक है जी, हुण तुसीं कहोगे कॉलम डायलॉग बॉक्स भी रूलर बार तो ओपन हुंदा, पेज सैटअप डायलॉग बॉक्स भी रूलर बार तो ओपन हुंदा। जिहड़ा कॉलम डायलॉग बॉक्स आ उह उदों ओपन हुंदा जदों आपां जिहड़े कॉलम नेगे इनसर्ट कीते होण। ठीक है जी, ते उहनां विचकार जिहड़ी स्पेस आ गई जे आपां उहदे डबल क्लिक करांगे अपना जिहड़ा कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन होजूगा, यह उदों हुंदा गा। पर जिहड़ा अपना पेज सैटअप डायलॉग बॉक्स आगा जो अपना सिंपल एक डॉकूमेंट दिता हुंदा, भावें उहदे विच कोई आपां पैराग्राफ लिखा होवे, कोई सेंटेंस लिखे होण, ठीक है जी, कुछ भी लिखा होवे, आपां रूलर बार ते की करांगे डबल क्लिक करांगे अपना की होजूगा पेज सैटअप डायलॉग बॉक्स जिहड़ा ओपन होजूगा। ठीक है जी, तो उस तो आप कर सकते हैं पेज की जी फॉरमैटिंग कर सकते हैं, तो वो जो मार्जिन ने वो भी आप कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तुहानूं तो देखने मिल जूगा टॉप बॉटम, ठीक है जी, लैफ्ट राइट लिखा देखने मिल जूगा। तो एक प्रश्न ये भी आता हूँ गा जी एम एस वर्ड के पेज की जी डिफॉल्ट मार्जिन है वो कितना होता गा, 1 इंच का होता। ठीक है जी, ये प्रश्न भी अक्सर देखने मिल जाता गा, डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता गा, 1 इंच का होता गा, भावें टॉप आ भावें बॉटम आगा भावें कि लैफ्ट आगा भावें राइट आ। ठीक है जी, कोई भी हैगा वो 1 इंच का होता। ठीक है जी, नोट कर लियो। सो अपना की आजू ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, पेज सैटअप डायलॉग बॉक्स। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 11 देखो, एम एस वर्ड 2016 और उस तो बाद के वर्जनस में फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज कितना दिता हुंदा है। हाँ जी, कितना दिता हुंदा है, इत्थे उन्होंने राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आऊ। ठीक है जी, 11 पॉइंट दिता हुंदा। ठीक है जी, जिहड़ा डिफॉल्ट हुंदा नोट करियो, तो घट तो घट पुछ लैन कितना हुंदा गा, 8 हो सकता। ठीक है जी, तो ज़्यादा तो ज़्यादा पुछ लैन कितना हुंदा गा, 72 हो सकता। ठीक है जी, मान लो साइज तो समझ दो सारे, मान लो अपने आ की लिखा हुआ एम एस वर्ड लिखा हुआ है, हुण आपां नूं 72 तक करता है बड़ा होजूगा। ठीक है जी, बहुत बड़ा होजूगा, जिन्हों छोटा करना 8 तक छोटा होजूगा। ठीक है जी, मतलब साइज़ की गल हो रही है फॉन्ट दे। ठीक है जी, तो जो डिफॉल्ट आ डिफॉल्ट पूछ रहे कितना होंगे गा, वो 11 पॉइंट होंगे। ठीक है जी, सो अपना की आजूगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। क्लीयर होगी गल, नोट कर लो सारे आने। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 12 देखो, वट इज़ द वर्ड ब्रॉब फीचर।
हाँ जी वर्ड ब्राउज़ फीचर की हुंदा गा, ये हुंदा जी मान लो अपने जो कोई टैक्सट लिख देंगे तो एक लाइन में पूरा हो जाता गा तो ऑटोमैटिक दूजी लाइन में चला जाता, उन्होंने की कहें है वर्ड ब्राउज़ फीचर कहें है। सो अपना की आजूगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, टैक्सट को ऑटोमैटिकली अगली लाइन में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजू, ठीक है जी ये नोट करो, इनू की कहें है वर्ड ब्राउज़ फीचर कहा जाता गा। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 13 देखो, स्पैलिंग चैक करने लिए कि शॉर्टकट की की वरतों की जाती है। हाँ जी ये की जाती हैगी, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, F7 शॉर्टकट की, ठीक है जी। तुम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके F7 दब दोगे तो अपने सामने की खुल जूगा, एक बॉक्स खुल जूगा जिसे अपन दस दोगे भाई ये वर्ड सही आ या फिर ये वर्ड गलत इस तरह सही हो सकता या अपने ये गलती है, ठीक है जी। ये अपन कि शॉर्टकट की ना पता लगता गा, F7 शॉर्टकट की ना पता लगता, ठीक है जी। ये एक तरीके ना होर भी आप बॉक्स खोल सकते हैं, किमें रिव्यू टैब जाके रिव्यू टैब आप उन्होंने ऑप्शन देखने मिल जूगा स्पैल चैक का, कहदा ऑप्शन देखने मिल जूगा स्पैल चैक का, ठीक है जी। सो जो आप स्पैल चैक पर क्लिक करा यही बॉक्स अपने सामने की होजूगा ओपन होजूगा। सो इतों भी आप कर सकते हैं स्पैलिंग चैक कर सकते हैं किसी भी वर्ड के, ठीक है जी क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 14 देखो, जदों तुसी किसी सिंबल नूं शॉर्टकट की असाइन करते हो तुहानूं हमेशा कीड़ी की असाइन करनी चाहिए है। हाँ जी कीड़ी की असाइन करनी चाहिए है, इतने अपना राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजू, ठीक है जी अनअसाइंड। हुण सारी ध्यान समझ लो, ये हुण इंसर्ट टैब में क्लिक करोगे, ठीक है जी इंसर्ट टैब में क्लिक करोगे उस तो बाद ऑप्शन देखने मिल जूगा सिंबल का, ठीक है जी। सिंबल पर क्लिक करोगे उस तो बाद नीचे देख लिखे देखने मिल जूगा मोर सिंबल, ठीक है जी मोर सिंबल पर क्लिक करोगे उस तो बाद थोड़े सामने बहुत सारे सिंबल तुहानू बॉक्स खुल जूगा, ठीक है जी बहुत सारे सिंबल आ जाएंगे थोड़े सामने, किसी एक सिंबल को सिलेक्ट करके उस तो बाद तुहानू लिखे देखने मिल जूगा शॉर्टकट की, ठीक है जी शॉर्टकट की, शॉर्टकट की क्लिक करोगे उस तो बाद तुहानू पुछूगा भी कि असाइन करनी हैगी, उत्थे आपां नूं उही की असाइन करनी पेगी जो पहला असाइन नहीं हैगी। मान लो तुसीं उत्थे लिख दोगे F7 लिख दो, हुण F7 का पहली साइन है, ठीक है जी किनू साइन है स्पैल चेक करन, सो जां पर तुसीं लिखते हो कंट्रोल प्लस ओ लिखते हो वह भी पहला साइन है, ठीक है जी फाइल ओपन करने वास्ते। सो आपां नूं उह साइन करनी चाहिए कि जिहड़ी पहला साइन नहीं हैगी, ठीक है जी मतलब अनअसाइंड करनी चाहिए जो पहला अनअसाइंड है, कित भी साइन नहीं हैगी। सो आप अजही की कोई साइन करनी पेगी उत्थे जो पहला कित भी साइन नहीं हैगी, ठीक है जी समझ आ गई गल। तो बई शॉर्टकट बनाऊँ के होंगे है, हूँ मान लो तुम डॉलर का साइन है, ठीक है जी हूँ तुम डॉकूमेंट में बार बार कोई डॉलर का साइन यूज़ कर दोगे, हूँ थोड़ू बार बार की करना इंसर्ट टैब खोलना पैंता गा उस सिंबल में जाके डॉलर साइन पर क्लिक करना पैंता, ठीक है जी। तुम की कर सकते हो शॉर्टकट की बना सकते हो, कितों बना के सकते हो इतों जिम्मे तुम्हें दसिया इंसर्ट टैब जाके सिंबल पर क्लिक करके मोर सिंबल पर क्लिक करके शॉर्टकट की बना सकते हो, ठीक है जी। पर की बनानी पेगी जी साइन नहीं हैगी, ठीक है जी जी कि भी साइन नहीं हैगी मतलब जी अनसाइंड हैगी, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। फिर तुम डॉकूमेंट में कि भी जी मतलब शॉर्टकट की बनाई हैगी कि भी मान लो तुम बनाया गा 1+2+ कंट्रोल, ठीक है जी तुम फिर वो दब के की कर सकते हो जो तुम दबोगे अपना डॉलर का साइन उत्थी डॉकूमेंट में आ जाएगा, ठीक है जी क्लीयर होगी गल। सो इसलिए वरत्या जाता गा अपना की है शॉर्टकट की फॉर सिंबल, ठीक है जी इंपॉर्टेंट हैगा ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 15 देखो, कॉपीराइट सिंबल बनाने लिए तुम कि शॉर्टकट की प्रेस करोगे। हाँ जी ये करांगे अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, Alt+Ctrl+C, ठीक है जी इंपॉर्टेंट आ नोट कर लियो कापी ते। कॉपीराइट सिंबल सबनों पता कि होना आही हों, ठीक है जी। सो ये साइन बनाने लिए अपने की करना पेगा Alt+Ctrl+C ते क्लिक करना पेगा, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 16 देखो, MS वर्ड के टेबल में ज़्यादा तो ज़्यादा किन्ने कॉलम्स और रो होंगे। हाँ जी किन्ने कॉलम के रोज़ होंगे, इतने अपना राइट ऑप्शन की आजूगा। तो देखो जी कॉलम ज़्यादा तो ज़्यादा होंगे 63, ठीक है जी तो रोज़ ज़्यादा तो ज़्यादा होंगे अपनी 32767, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, ये ज़्यादा तो ज़्यादा पूछा जे घट तो घट पुछ लैन किन्ने होंगे 1+1, ठीक है जी एक रो तो एक कॉलम, ठीक है जी जे घट तो घट एक रो तो एक कॉलम, ज़्यादा तो ज़्यादा 63 कॉलम 32767 की रोज़, ठीक है जी ये नोट करो। ये कितने पे होंगे अपने इंसर्ट टैब क्लिक करोगे तो उसको लिखा देखने मिल जूगा टेबल, ठीक है जी की लिखा देखने मिल जूगा टेबल, ये तो तुम की कर सकते हो टेबल में डॉकूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है जी ये नोट करो सारी चीज़ा। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 17 देखो, MS वर्ड में वैब ऑथरिंग टूल्स होंगे जो तुम्हें वैब पेज उपर डैश शामिल करने की इजाजत देते हैं। तो देखो जी इतने उन्हें राइट ऑप्शन आजूगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव, ठीक है जी बुलेट्स की होंगे सबनों पता होना गा, ठीक है जी नंबरिंग भी होंगे है
बुलेट सब नूं पता होना की हुंदा, ठीक है जी। हाइपरलिंक बारे सब नूं पता होना, हाइपरलिंक्स की हुंदे आगे, जो आपां नूं एक पेज तों दूसरे पेज उपर लैके जांदा उहनूं की कहिंदे आगे, हाइपरलिंक्स कहा जांदा, ठीक है जी। साउंडस बारे सब नूं पता होना गा, डिटेल विच आपां अगे पढ़ लांगे। सो आपणा की आजूगा, ऑप्शन नंबर आपणा डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, ठीक है जी। ऑल ऑफ अबव वैब ऑथरिंग टूल हुंदे जिहड़े आपां नूं बुलेट्स, हाइपरलिंक ते साउंडस नूं की करन, इंसर्ट करन दी इजाजत दिंदे आ, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर आपणा डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 18 देखो, पोर्ट्रेट दे लैंडस्केप की हन, हाँ जी की हन, इतने अपना राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजू, ठीक है जी। पेज ओरिएंटेशन, ठीक है जी। पेज ओरिएंटेशन कितने आता गा, पेज लेआउट ते क्लिक करोगे, पेज लेआउट ते क्लिक करोगे, ठीक है जी। उस तो बाद लिखा देखने मिल जूगा ओरिएंटेशन, की लिखा देखने मिल जूगा ओरिएंटेशन, ठीक है जी। ओरिएंटेशन ते क्लिक करोगे तो थोड़े सामने दो ऑप्शन खुल जाएंगे, पोर्ट्रेट ते लैंडस्केप, ठीक है जी। जे मान लो तुसी थोनू लंबाई ज़्यादा चाहिए हैगी, पेज की लेंथ ज़्यादा चाहिए हैगी, तो तुसी किते क्लिक करोगे, पोर्ट्रेट ते क्लिक करोगे। जे थोनू बित ज़्यादा चाहिए हैगी, मतलब चौड़ाई ज़्यादा चाहिए हैगी, किते क्लिक करोगे, लैंडस्केप ते क्लिक करोगे, ठीक है जी। क्लियर होगी गल, इंपोर्टेंट आ, नोट कर लियो। पोर्ट्रेट ते लैंडस्केप की हन, पेज ओरिएंटेशन हन, ठीक है जी। पेज लेआउट ते क्लिक करोगे, ओरिएंटेशन ते क्लिक करोगे, तुहाडे सामने दो ऑप्शन मिल जाणगे, पोर्ट्रेट ते लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ते क्लिक करोगे थोड़ा मतलब थोड़ी लंबाई ज़्यादा चाहिए है, ठीक है जी, पेज की। जे विथ ज़्यादा चाहिए फिर लैंडस्केप ते क्लिक करोगे, ठीक है जी। ये भी प्रश्न आता होंगे गा, पेज की लेंथ ज़्यादा लिए तुसी की चुनोगे, पोर्ट्रेट नूं चुनोगे, ठीक है जी। जे विथ ज़्यादा चाहिए किनू चुनोगे, चौड़ाई ज़्यादा चाहिए है, फिर तुसी चुनोगे लैंडस्केप नूं, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपना इत्थे की आजूगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। क्लीयर होगी गल, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 19 देखो, ड्रॉप कैप लई तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा किनिया लैंस सैट कर सकते हो। पहला देखो जी, ड्रॉप कैप की हुंदा, तुसी ये ज़्यादातर न्यूज़पेपर विच देखिया होना गा, तुसी देखिया होना भी पहला लैटर बड़ा हुंदा गा, बाकी फिर कुछ तीन चार लाइनें दित्ती हुंदियां, ठीक है जी। सो इहनूं की कहा जांदा गा, इहनूं ड्रॉप कैप कहा जांदा, ठीक है जी। हुण किसे लैटर दा ड्रॉप कैप किवें बणदा गा, पहले लैटर नूं सिलैक्ट करो, उस तों बाद की करो, इनसर्ट टैब ते क्लिक करो, ठीक है जी। उस तों बाद की करो, उस तों बाद तुसी ड्रॉप कैप दा तुहानूं ऑप्शन देखण नूं मिल जूगा उत्थे इनसर्ट टैब विच, ठीक है जी। सो उहदे क्लिक करोगे, सो लैटर दा की बन जूगा, ड्रॉप कैप बन जूगा, ठीक है जी। ते ज़्यादा तो ज़्यादा किन्नियां लाइनस आपां बना सकदे हां ड्रॉप कैप दीआं, 10 बना सकते हैं, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। फिर डिफॉल्ट कि होंदिया नेगिया, जो पहले तो निर्धारित होंदिया नेगिया, वो होंदिया ने अपनिया तीन, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आज, जो डिफॉल्ट पूछ लैन, जो ज़्यादा तो ज़्यादा पूछ लैन, सो अपने 10 आ जाएंगे, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल, की हुंदा ड्रॉप कैप, समझ गए सारे जाने। चलो अगला प्रश्न देखो। जे कितों भी समझ नहीं लगी तो कमेंट करके जरूर पूछ लो, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर बी देखो, ड्रॉप कैप लई डिफॉल्ट सैट की लैंस की संख्या कितनी होती है। उपरी गल करके हटेंगे, आंसर की कर दो, कमेंट कर दो, कितने कई विद्यार्थी सुते ही ना पाए हो, कि पता ही नहीं लग्या हो, सो कमेंट करके दस दो, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 21 देखो, तुसी एक ड्रॉप कैप में किनिया थावां तो सैट कर सकते हो। हाँ जी, किनिया थावां तो सैट कर सकते हो, इतने उन्हें राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। दो थावों तो आप की कर सकते हैं, किसी भी ड्रॉप कैप में सैट कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 22 देखो, एम एस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट की तरह न्यूज़पेपर बनाने लई तुसी किहड़े फीचर का इस्तेमाल करोगे। हाँ जी, कहिंदे न्यूज़पेपर वर्गा एक डॉक्यूमेंट बनाउणा गा, सो न्यूज़पेपर किवें हुंदा गा, इस तरह हुंदा, ठीक है जी। कॉलम विच एक कॉलम हुंदा गा, फिर दूसरा कॉलम दिता हुंदा गा, तीसरा कॉलम दिता हुंदा, ठीक है जी। इस तरह ही हुंदा, न्यूज़पेपर सब ने देखिया होना गा। सो किहदा इस्तेमाल करांगे आपां, कॉलम्स का इस्तेमाल करांगे, ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। कॉलम्स कितने हुंदे आगे, पेज लेआउट ते क्लिक करोगे, ठीक है जी। पेज लेआउट ते क्लिक करोगे, उत्थे तुहानूं ऑप्शन देखण मिल जूगा कॉलम दा, सो उत्थे तुहानूं होर ऑप्शन देखण नूं मिल जूगा एक मोर कॉलम दा, ठीक है जी। जो तुसीं मोर कॉलम ते क्लिक करोगे, थोड़े सामने की खुल जूगा, कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जूगा, ठीक है जी। वो तुसीं किन्ने मर्जी कॉलम बना सकते हो, किन्ने मर्जी नहीं, एक ए भी प्रश्न आता हुंदा, मैक्सिमम कॉलम किन्ने बना सकते होंगे, 45 बना सकते हो, ठीक है जी। किन्ने बना सकते हो, 45 बना सकते हो, नोट करो। सो उत्थों बना सकते हो, कॉलम की फॉरमैटिंग कर सकते हो, ठीक है जी। कितों, कॉलम डायलॉग बॉक्स तो, ठीक है जी। याद रख लियो, एक बार होर देखो कि उत्थों ओपन हुंदा पेज लेआउट ते क्लिक करोगे, फिर उस तो बाद तुहानूं कॉलम दा ऑप्शन देखने मिल जूगा, मोर कॉलम दा ऑप्शन देखने मिल जूगा, ठीक है जी। उत्ते क्लिक करोगे, एक बॉक्स ओपन हो जूगा अपना, कॉलम डायलॉग बॉक्स, ठीक है जी। इहनूं कहिंदे आगे, ते ज़्यादा तो ज़्यादा कॉलम की जिहड़ी संख्या आपां किन्नी बना सकदे हांगे, 45 हुंदी है, ठीक है जी। ऑपरेशन कई बार पुछिया गा किन्नी संख्या हुंदी हैगी, 45 हुंदी हैगी, नोट कर लिओ, ठीक है जी। सो सारियां गल्लां नूं की कर लैणा गा, नोट कर लैणा। क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो।
हाँ जी प्रश्न नंबर 23 देखो, एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट में तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा किन्ने कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। उपरी आप गल करके हटे किन्ने कर सकते हैं जी, 45 कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आज, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 24 देखो, विच ऑप्शन इज फाइल पुल डाउन मीनू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन एम एस वर्ड। हाँ जी, किहड़ा फाइल पुल डाउन मीनू विच किहड़ा ऑप्शन हैगा जिहड़ा एम एस वर्ड की किसी फाइल नूं बंद करन लई चुनिया जांदा हैगा, किहड़ा हैगा जी? सब नूं पता हैगा, ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आ, ठीक है जी। क्लोज हैगा, ठीक है जी। फाइल मीनू ते क्लिक करोगे तुहानूं इत्थे ऑप्शन देखण मिल जाणगे न्यू ओपन क्लोज। सो आपां की करांगे, क्लोज ते क्लिक करके किसी भी फाइल नूं की कर सकदे हांगे, क्लोज कर सकदे हांगे। जे मान लो आपां एम एस वर्ड की जिहड़ी सारी एप्लीकेशन उहनूं बंद करना, तां फिर इत्थे आपां नूं इक होर ऑप्शन देखण नूं मिल जूगा एग्जिट। जे आपां एग्जिट ते क्लिक करांगे तां की होजूगा, एम एस वर्ड की जिहड़ी सारी एप्लीकेशन आ उही बंद होजू, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल? ते आपां इक शॉर्टकट की भी हैगी क्लोज़ करन लई किसी फाइल नूं, किहड़ी हैगी? कंट्रोल प्लस F4, ठीक है जी। कि हैगी? कंट्रोल प्लस F4। एक कापी तो नोट करी जाए भावें, कि हैगी? कंट्रोल प्लस F4 आ, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल? चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 25 देखो, एम एस वर्ड विच एक्टिव डॉक्यूमेंट नूं क्लोज़ करने लई कि शॉर्टकट की वरतों की जाती है? उपरी गल करके हटेंगे, कमेंट कर दो सारे जने, की कर दो? कमेंट कर दो, कमेंट करके दस दया करो, ठीक है जी, सही आंसर। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 26 देखो, किसी डॉक्यूमेंट नवें नाम नाल सेव करन लई तुसीं हेठ लिखियां विचों किहड़े ऑप्शन की वरतों करोगे? तो नवें नाम नाल मतलब सेव एज, ठीक है जी। सो आपां की करांगे, ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। फाइल ते क्लिक करांगे, उस तों बाद आपां सेव एज दे ऑप्शन ते क्लिक करांगे, ठीक है जी, नवें नाम नाल। अब वैसे किन्ने तरीके नाल सेव कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस एस दब के भी आपां सेव कर सकते हैं, क्लिक फाइल ते करके सेव ते क्लिक करके भी आपां सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। जां आपणी इक होर जिहड़ी शॉर्टकट की हुंदी हैगी F12, ਇਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਸੇਵ ਐਜ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 27 ਦੇਖੋ, ਫੋਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਜੂਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਡੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਡੀ ਦੱਬੋਗੇ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੋਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਬੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟੈਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨ ਸਾਈਜ਼ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਅਤੇ ਦੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ, ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਐਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਡੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਐਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫੋਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28 ਦੇਖੋ, ਵਰਡਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਬਨ ਟੈਬ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਪੇਜ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਜ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੋਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਡਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29 ਦੇਖੋ, ਫਾਇੰਡ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਜੂਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਜੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਜੀ ਦੱਬਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੋਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਾਇੰਡ ਰਿਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੋ ਟੂ। ਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਜੀ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਪਨ ਹੋਜੂਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੋਜੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਫਾਇੰਡ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਇਕੱਲਾ ਐਫ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਫ ਦੱਬਣਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਜੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਬਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਚ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਚ ਦੱਬਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਜੂ, ਇਕੱਲੇ ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ,
एक्टिव हो जूगा। किसी भी वर्ड में रिप्लेस करना चाहते हैं उन्होंने इतने लिखा, किड़े वर्ड में रिप्लेस करना उन्होंने आप इतने लिखा, ठीक है जी। उस तो बाद आप करेंगे नैक्सट पर क्लिक करेंगे, ठीक है जी। तो कंट्रोल पास जी दबना सारी एक्टिव हो जूगा, मतलब गो टू द सैक्शन है जोड़ा वो एक्टिव हो जूगा, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल। सो तिने शॉर्टकट की याद रख लियो, तिने शॉर्टकट की संबंधित ने फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में संबंधित ने, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगा, नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 30 देखो, किसी टैक्सट को सबसक्रिप्ट करने लिए कौन सी शॉर्टकट की वरतू होती है। पहला देखो सबसक्रिप्ट की होंगे गा, तुम सारे ने आता पढ़ी होना CO2 भी जो 2 हैगा वो थोड़ा नीचे दिता होंगे, ठीक है जी। सो इनू की कहा जाता गा, सबसक्रिप्ट कहा जाता, किसी वर्ड को इस तरह करने की कहा जाता गा, सबसक्रिप्ट कहा जाता, ठीक है जी। सो इस तरह करने कौन सी शॉर्टकट की वरतू होती हैगी, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ठीक है जी। एक होंगे सबसक्रिप्ट, एक होंगे सुपरसक्रिप्ट, मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। आ भी सारे ने पढ़िया होना गा। सो इस तरह करने लिए किसी वर्ड को उन्होंने की कहा जाता, सुपरसक्रिप्ट कहा जाता, ठीक है जी। उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की वरतू होती हैगी, कंट्रोल प्लस माइनस की होती है, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल, ये दोनों तुम्हें नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 31 देखो, किसी टैक्सट को सुपरसक्रिप्ट करने लिए कौन शॉर्टकट की वरतू होती है। ऊपर ही गल करके हटिया, सबन पता होना चाहिए, ठीक है जी। यदा आंसर कमेंट कर दो, कमेंट करके दस दो, ठीक है जी। सारे जने दसना जरूर है। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 32 देखो जी, कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू। तो मान लो जी तुम किसी डॉकूमेंट के किसी भी पेज से थोड़ा करसर आगा, कितने भी करसर आगा, तुम कंट्रोल प्लस होम दबोगे, थोड़ा जोड़ा करसर आगा और डॉकूमेंट के कितने आजगा, शुरुआत में आजगा, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपने की आजगा, ए बिल्कुल राइट आंसर आजगा, करसर डॉकूमेंट के शुरुआत में ले जाने लिए। एक होंगे कंट्रोल प्लस अपना एंड की, ठीक है जी। जे आप कंट्रोल प्लस एंड में दबागे तो जो अपना करसर आगा वो डॉकूमेंट के कितने वग जूगा, एंड में वग जूगा, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल, एक कंट्रोल प्लस होम हों गा दबण, जो करसर आ डॉकूमेंट के शुरुआत में आ जाता गा, कंट्रोल प्लस एंड दबण जो अपना करसर आगा वो डॉकूमेंट के एंड में चला जाता, ठीक है जी। ये दोनों नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 33 देखो, कंट्रोल प्लस एंड इज यूज टू। हाँ जी, आप ऊपरी गल करके हटेंगे, ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजगा, करसर डॉकूमेंट के अखीर में ले जाने लिए, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 34 देखो, हैडर्स और फूटर बाय डिफॉल्ट किहड़े पेज पर होंदे हन। हाँ जी, किहड़े पेज पर होंदे हन, सबन पता होना चाहिए गा। इतने उन्होंने राइट ऑप्शन आजगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन एवरी पेज, ठीक है जी। हरेक पेज से अपन की दिते होंगे है, उपर हों अपना हैडर, ठीक है जी। खास करके कि वरत जाता गा, यह टाइटल ही वरत जाता, यह भी प्रश्न आता हों। नीचे अपना कौन होंगे गा, फूटर होंगे गा, ठीक है जी। ये खास करके कि वरत जाता गा, पेज नंबर वास्ते वरत जाता, ठीक है जी। सो हैडर उपर हों, पेज फूटर नीचे होंगे, ठीक है जी। हरेक पेज से दिते होंगे है, तो टैब कि होंगे भी प्रश्न आता हों, इंसर्ट टैब में होंगे, ठीक है जी। इंसर्ट टैब तक क्लिक करोगे उसे तो ऑप्शन मिल जूगा हैडर्स एंड फूटरस का, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल, ये सारी चीज़ों की कर लो, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 35 देखो, कंट्रोल प्लस डबल्यू इज यूज टू। हाँ जी, ये यूज टू कहदे लिए होंदा, ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आजगा, क्रोज द करंट विंडो, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आजगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 37 देखो, डॉकूमेंट्स उपर नैविगेट करने लिए तुम हेठ लिखे बिचों किसका इस्तेमाल करोगे। हाँ जी, किसका इस्तेमाल करोगे, इतने उन्होंने राइट ऑप्शन की आजगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। हैपलिंक्स का इस्तेमाल करा, एक पेज तो आप दूसरे पेज पर जाने लिए इस्तेमाल करा, हैपलिंक्स का इस्तेमाल करा, ठीक है जी। तो एक शॉर्टकट की पूछी जाती होंगी हैपलिंक की, कि होंगी है, कंट्रोल प्लस के, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस के दबोगे, एक थोड़े सामने बॉक्स खुल जूगा, उतो आप कोई भी जरा हैपलिंक्स बना सकते हैं, ठीक है जी। कि वर्ड रिलेटेड आप कितने पहुँचना चाहते हैं, कि डॉकूमेंट उपर, तो आप इतने एक ईमेल एड्रैस भी बना सकते हैं, ठीक है जी। कि शॉर्टकट की नाल, कंट्रोल प्लस के नाल, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट आ, नोट कर रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 37 देखो, वर्ड प्रोसैसर लिए ग्राफिक्स की है। हाँ जी, क्री है, इतने राइट ऑप्शन की आजगा, ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आज, ठीक है जी। क्लिप आर्ट, तुम्हें कोई साउंड लैना गा डॉकूमेंट में, ठीक है जी। कोई पिक्चर ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, कोई मूवी इंसर्ट करनी है, ठीक है जी। कोई ड्राविंग इंसर्ट करनी हैगी, तुम कि थ्रू कर सकते हो, क्लिप आर्ट के थ्रू, ठीक है जी। कितने पे होंगे गा, इंसर्ट टैब, ठीक है जी। कितने पे होंगे गा, इंसर्ट टैब। जो भी मान लो तुम कोई डॉकूमेंट में कोई चीज़ इंसर्ट करने की गल आए, मतलब कोई डॉकूमेंट उपर कोई चीज़ इंसर्ट करने की गल आ जाए, लिया की गल आ जाए, वो किहड़े टैब में होगा, ज़्यादातर इंसर्ट टैब में होगा, ठीक है जी। कितने होगा, इंसर्ट टैब में होगा, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते होंगे, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 38 देखो, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट इज यूज टू। हाँ जी, सबनों पता होना चाहिए गा, इतने राइट ऑप्शन की आजगा, ऑप्शन नंबर डी, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स, ठीक है जी। किहड़ा बॉक्स ओपन कर ली, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल।
चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 45 देखो, कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट यूज टू, हाँ जी कद यूज होंगी हैगी, ये होंगी हैगी अपनी हैंगिंग डेंटली, ठीक है जी, इंपाउंडर प्रश्न अपना। हैंगिंग डेंट किनू कहें अगर बार बार पूछा जाता प्रश्न अपना, जी अपनी इतने बार दी होंगी, ठीक है जी, इतने तो एक एरो मिल जूगा, जेडे एरो के उपरला पासा होंगे, ठीक है जी, उन्होंने कहें अपना फस्ट लाइन इंडेंट, उन्होंने की कहा जाता गा फस्ट लाइन इंडेंट कहा जाता, ठीक है जी। एक अपना सेंटर बच्चों का उन्होंने की कहा जाता गा सेंटर डेंट कहा जाता, ठीक है जी। एक अपना नीचे होंगे उन्होंने की कहा जाता गा लैफ्ट इंडेंट कहा जाता, ठीक है जी। जोड़ा अपना उपर होंगे उन्होंने राइट इंडेंट भी कहा जाता, ठीक है जी, नोट करो। हम ये यूज़ की होंगे गा, मान लो अपनी लाइन लिखी हुई ने गियाँ, हूँ आप आह लाइन चाह के इतने लैके जाना, सो आप करा आ सेंटर वाला चाह के इतने लै जाएंगे, ठीक है जी, आ सेंटर वाला चाह के जोड़ा इंडेंट हैगा यू आप माउस न इतने लै जाएंगे, सो की वजू जी अपनी आह लाइन हैगी इतने वग जू, ठीक है जी। मतलब अपना जोड़ा आहगा देखो, मतलब जी अपनी आह लाइन हैगी इस तरह हो जू, ठीक है जी। पहली लाइन तो उत्थ स्टार्ट होगी, आप दूसरी लाइन तो क्लिक करके जोड़ा इंडेंट हैगा सेंटर लै जाएंगे, सो जी दूसरी लाइन हैगी सेंटर पहुँच जू, ठीक है जी। सो यह यूज़ होंगे कहदा इंडेंट का होंगे, ठीक है जी। थोड़ी 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 ना आप प्रैक्टिकल भी दसी जाने भी किस तरह होंगे, जिम्मे आप कंप्यूटर तो नहीं कर रहे फिर भी थोड़ा इतनी दसी जा रहे भी यह यूज़ होंगे गा, ये थोड़ा याद करने सौखा हो जूगा, ठीक है जी, थोड़ा सुखाई हो जूगी। सो यह भी याद रख लो इंडेंट का यूज़ की होंगे गा, भी किसी भी लाइन आप सेंटर लिया सकते हैं, लैफ्ट भी लिया सकते हैं, या फिर आप राइट में लिया सकते हैं, कि थ्रू हैंगिंग डेंट के थ्रू, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया पेपर में, यह नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 40 देखो, वर्ड विच किसी टैक्सट की फॉरमेट किसी होर टैक्सट की तरह बिल्कुल सेम किमें कर सकते हो, हाँ जी ये किमें कर सकते हो, इतने राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आओ, ठीक है जी। टैक्सट को सिलेक्ट करो, फिर फॉरमेट प्रिंटर से सिलेक्ट क्लिक करो, फिर नवे टैक्सट को सिलेक्ट करो, ठीक है जी। हुण मान लो इत्थे की लिखे अपना टैक्सट लिखे हुआ, आपां इहनूं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। उस तो बाद तुहानूं होम टैब नीचे मिल जूगा लिखा फॉरमेट प्रिंटर, ठीक है जी, उत्ते क्लिक करोगे, उस तो बाद जो टैक्सट के बिल्कुल सेम फॉरमेट करना चाहते होगे तो उसे क्लिक करोगे, ठीक है जी। सो अपना की हो जूगा जो दूसरा टैक्सट है वह बिल्कुल पहले की तरह बन जूगा, ठीक है जी। पहले तरह यही मतलब जिम्मे टैक्सट लिखा वो भी टैक्सट बन जूगा, यह नहीं मतलब जी पहले उपर जिम्मे बोल्ड किया होया टैलिक किया होया कि साइज आ वह बिल्कुल सेम बन जूगा, ठीक है जी। फॉरमेटिंग वो सेम हो जूगी, क्लीयर होगी गल कि थ्रू फॉरमेट पेंटर के थ्रू, ठीक है जी, क्लीयर होगी गल, ये नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 41 देखो, किसी डॉक्यूमेंट की पेज ओरिएंटेशन के संबंध में हेठ लिखियां विचों केड़ा सही है, तो देखो जी इन विचों केड़ा सही है पढ़ लो, पेज ओरिएंटेशन किसी भी वक्त, हाँ ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाओ, ठीक है जी। हुण तुहानूं पहलां भी दस्सिया सीगा पेज ओरिएंटेशन कित्थे हुंदी हैगी, पेज लेआउट ते क्लिक करोगे, ठीक है जी, पेज लेआउट ते क्लिक करोगे, उस तो बाद तुहानूं ओरिएंटेशन लिखी देखने मिल जू, ठीक है जी, की लिखी देखने मिल जूगी ओरिएंटेशन। उस तो बाद तुसीं तुहानूं दो ऑप्शन मिल जाएंगे पोर्ट्रेट तो लैंडस्केप, ठीक है जी, तो लैंडस्केप, ठीक है जी। जे तुसीं मतलब पेज की लंबाई ज़्यादा चाहते हो लेंथ ज़्यादा चाहते होगे तो की तो क्लिक करोगे पोर्ट्रेट पर, जे विथ ज़्यादा चाहते होगे मतलब चौड़ाई ज़्यादा चाहते होगे तो की तो क्लिक करोगे लैंडस्केप, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है प्रश्न बार बार पूछा जाता, नोट कर लो, ठीक है जी। सो कितने मिल जाए पेज लेआउट में क्लिक करोगे ओरिएंटेशन से क्लिक करोगे, ठीक है जी। पोर्ट्रेट तो लैंडस्केप दो ऑप्शन मिल जाएंगे, जे लेंथ ज़्यादा चाहते हो पोर्ट्रेट पर क्लिक करोगे, जे विथ ज़्यादा चाहते हो चौड़ाई ज़्यादा चाहते होगे की तो क्लिक करोगे लैंडस्केप, ठीक है जी। तो सारी गलों की कर लेना नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 42 देखो, एम एस वर्ड में नवा पैराग्राफ शुरू करने लिए तुसी केड़ी की दबाओगे, तो देखो जी ये सब नूं पता होना चाहिए, जिन्हें कदे भी कंप्यूटर नहीं चलाया उन्हें भी शायद पता होगा। सो इसका आंसर की करो कमेंट करके दस दो, ठीक है जी। तो सारे विद्यार्थियों का आंसर जो सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 43 देखो, डॉक्यूमेंट उपर लगाए गए बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट किहड़े व्यू में दिखाई नहीं देंगे, हाँ जी ये प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई नहीं देंगे, ठीक है जी। फाइल मेन्यू ते क्लिक करोगे, ठीक है जी, उत्ते तुहानूं मिल जूगा प्रिंट का ऑप्शन, उत्ते लैके उत्ते कर्सर लैके जाऊंगे तो तुहानूं मिल जूगा फिर अपना प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन, ठीक है जी। उत्ते क्लिक करोगे उद्दे भी तुहानूं सारा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, पर डॉक्यूमेंट विच जिहड़े बैकग्राउंड कलर ने जिहड़े इफेक्ट लगाए हुए ने वो दिखाई नहीं देणगे, ठीक है जी, एक सिंपल डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, क्लीयर होगी गल। सो ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आ जूगा, क्लीयर। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 44 देखो, कॉलम डायल बॉक्स किवें ओपन हुंदा है, प्रश्न पहला भी आया सी, ठीक है जी, दोबारा रिपीट होया होगा किवें ओपन हुंदा गा, इतने राइट ऑप्शन की आजूगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी, किहड़े किहड़े सर तुहानूं समझाते सी उपर, ठीक है जी, क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 45 देखो, किवें तुसीं किसी सिलेक्ट कॉलम नूं तोड़ के एक नवा कॉलम स्टार्ट कर सकते हो, तो देखो जी ये किवें कर सकते हैं गे, इतने अपना राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाओ, ठीक है जी।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। मान लो अपना आह कॉलम हैगा, ठीक है जी, तो ये लिखे हुए है। सो आप इतने करसर लिया के आप इतों तोड़ना गा। सो आप इतने करसर लिया के की करांगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर दबांगे, तो इतों अपने टुट के एक नवा कॉलम बन जाओ, ठीक है जी, जिहड़ा नीचे दिता हुआ सारा इधर अगले कॉलम में आ जाऊगा। सो इस तरह आप की कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है जी, जितों भी ब्रेक करना आप उत्थे आप करसर लिया के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दबांगे, उतों ब्रेक होकर जिहड़ा भी नीचे दिता हुआ अपना वो सारा उपर आ जाओ, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 46 देखो, इन्हां विचों किहड़ा स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफिस सूट मतलब MS ऑफिस का, तो वर्ड प्रोसैसर तो हैगा, ठीक है जी, MS वर्ड ही हैगा, डाटाबेस MS एक्सल सब नूं पता होना, ठीक है जी, MS एक्सल हैगा, मेज एडिटर ये कई नहीं पता होना गा, ये की हैगा, ये हैगा अपना MS ऑफिस पिक्चर मैनेजर, ठीक है जी, ये भी हैगा इन्हां दा किहड़ा गा पिक्चर मैनेजर। फाइल मैनेजर नहीं है, फाइल मैनेजर कितने आता है, मोबाइल में आता, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। वर्ड प्रोसैसर है, MS वर्ड है, ठीक है जी, डाटाबेस सबन पता किनू गया, MS एक्सल है गा, इमेज एडिटर कि नहीं पता होना, MS ऑफिस का पिक्चर मैनेजर आ, ठीक है जी, ये भी नोट करो इंपॉर्टेंट हैगा। सो जो फाइल मैनेजर की हैगा ये अपना स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी, क्लीयर होगी गल। सो ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, क्लीयर जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 47 देखो, MS वर्ड 2007 जो रिबन है उस विच शामिल है। पहले देखो रिबन किसनों कहा जाता, बहुते विद्यार्थियों का यही नहीं पता होना गा, आपनों दिता हुआ होम, ठीक है जी, होम टैब, इनसर्ट, रिव्यू, ये सारे की कहा जाता गा, जिम्मे सारे जो चौरस होंगे रिटेंगल इनू की कहा जाता गा, इनू सारे रिबन कहा जाता गा, की कहा जाता गा, रिबन कहा जाता, होम, इनसर्ट, रिव्यू, मेलिंग, इन्हें सारे की कहा जाता गा, पेज लेआउट, इन्हों कहा जाता गा रिबन टैब्स, की कहा जाता गा रिबन टैब्स, ठीक है जी। जिहड़ा अपना 2003 हुंदा सी उहदे विच सारे नूं की कहा जाता, मीनू बार कहा जाता सीगा, हुण की कहा जाता, रिबन कहा जाता, ठीक है जी। सो इन्होंने की पुछया, MS वर्ड 2007 विच जो रिबन है उस विच शामिल है टैब्स, ठीक है जी, टैब्स कहा जाता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न 48 देखो, हैडर्स अते फूटर्स नूं देखण लई तुहानूं जाणा पवेगा। तो देखो जी, हैडर्स अते फूटर्स नूं आपां प्रिंट लेआउट व्यू विच भी देख सकते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू मोड विच भी देख सकते हैं, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, बोथ बी एंड सी विच आपां हैडर्स अते फूटर्स नूं देख सकते हैं, क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 49 देखो, डेट फॉरमेट पेज नंबर अते ऑडियो नूं इंसर्ट करने लई बटन डैश टूल बार ते मौजूद होंदे हन। हाँ जी, किहड़े टूल बार ते मौजूद होंदे हन, इत्थे हुण राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आजू, ठीक है जी। तो देखो जी, जे आपां इंसर्ट टैब ते क्लिक करते हैं, इनसर्ट टैब पर आप क्लिक करांगे, उस तो बाद आप क्लिक करांगे हैडर एंड फूटर पर, ठीक है जी। उस तो बाद आपको एक ऑप्शन मिल जूगा एडिट हैडर का, कहदा एडिट हैडर का ऑप्शन मिल जूगा, ठीक है जी। सो उस पर आप क्लिक करांगे, सो अपना जो सारा आह रिबन हैगा एक ये अपन लिखे मिल जू, डेट, फॉरमेट पेज, नंबर, ऑडियो, ठीक है जी, ये तो आप कोई भी चीज़ की कर सकते हैं, इनसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, हैडर एंड फूटर तो, ठीक है जी, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 50 देखो, मार्जिनस नूं चेंज करन लई हेठ लिखे विचों किस दी वरतों हुंदी है। हाँ जी, प्रश्न ने पहला भी शायद आपां कीता सी, किस दी वरतों हुंदी हैगी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स दी, ठीक है जी, कित्थों ओपन हुंदा गा, जो आपां रूलर बार ते की करदे आं, डबल क्लिक करदे आं, ठीक है जी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जांदा गा, ते इहदी मार्जिनस जिहड़ी उह पुछ लैंदे हुंदे हैगे, डिफॉल्ट किन्नी हुंदे हैगे, किन्ने हुंदे हैगे, 1 इंच, ठीक है जी, चारों दे, टॉप दे भी, बॉटम दे भी, लैफ्ट दे भी, ते राइट दे, ठीक है जी। पेज के जोड़े मार्जिनस ने गए डिफॉल्ट किन्ने होंगे है 1 इंच होंगे, ठीक है जी, याद रखियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 51 देखो, विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन्स ऑप्शन टू अपलाई फॉन्ट इफेक्ट्स। हाँ जी, इतने उन्हें राइट ऑप्शन की आजूगा, फॉन्ट टैब, ठीक है जी। तो देखो जो आप दब देंगे कंट्रोल प्लस डी, ठीक है जी, अपना एक की खुल जूगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जूगा। सो ये भी अपन टैब दिते होंगे, सो एक ये कहदा टैब हों गा, फॉन्ट का ही टैब हों, ठीक है जी। सो इन्होंने की किया, विच टैब इन फॉन्ट डायल बॉक्स ऑप्शन टू अपलाई इफेक्ट्स। जो आप हम किसी टैक्सट उपर किसी वर्ड उपर कोई इफेक्ट अपलाई करना गा, सो किहड़े फॉन्ट किहड़े टैब अंदर आ गया, वो फॉन्ट टैब अंदर आ गया, ठीक है जी। सो अपना की राइट ऑप्शन आजूगा, फॉन्ट टैब आजूगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 52 देखो, हेठ लिखियां विचों किहड़ा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो देखो जी, बोल्ड हैगा स्टाइल, ठीक है जी, इटैलिक भी हैगा, रेगुलर भी हैगा, सुपर स्क्रिप्ट नहीं हैगा। सुपर स्क्रिप्ट की हैगा, ये तुहानूं पहलां भी दस्सिया सीगा, सब नूं पता होना चाहिए, ठीक है जी। सो तिन्ने नेगे, ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो।
हाँ जी प्रश्न 52 देखो, इन ऑर्डर टू ईमेल अ वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन एम एस वर्ड विच ऑप्शन यू शुड चूज। तो देखो जी आप जे फाइल मीनू तो क्लिक करते हैं, फाइल मीनू जो कह सकते हो या फिर ऑफिस मीनू कह सकते हो, ठीक है जी, ये आप क्लिक करते हैं, इतने आपको थले एक ऑप्शन की मिल जाती हैगी सेंड टू की। सो जो आप सेंड टू पर क्लिक करते हैं इतने बॉक्स खुल जूगा, आप तो की मंगेंगे ईमेल आई डी मंगेंगे, ठीक है जी, जिन्होंने आप डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, जो आप उसे ईमेल आई डी भर देंगे सो की हो जूगा वो डॉक्यूमेंट उस ईमेल आई डी से सेंड हो जाएगा, ठीक है जी। सो अपना की आ जूगा ऑफिस बटन सेंड टू मेल रिसीवर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जूगा, नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 54 देखो, कंट्रोल प्लस आई यूज टू, सबन पता जी कंट्रोल प्लस आई कि यूज़ होंगे इटैलिकली, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आ जूगा। शॉर्टकट की तो तुम कितों भी याद कर सकते हो, गूगल से सर्च मार लियो उ भी सारी तुम्हें शॉर्टकट की ने जड़िया वो मिल जाएंगे, ठीक है जी, ये नोट करो। चलो अगला प्रश्न, हाँ जी प्रश्न नंबर 55 देखो, होरीजोंटल स्क्रोल बार दे खब्बे पासे की हुंदा है। हाँ जी देखो एक अपनी होंगी स्क्रोल बार इधर, इनू कहें वर्टिकल, एक होंगी इस तरह, ठीक है जी, इनू की कहें अगे होरीजोंटल, ठीक है जी, ये खब्बे पासे पुछ रहा मतलब इतने इतने होंगे अपने व्यू बटन, किहड़े बटन होंगे अगे व्यू बटन, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी पियागा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आओ, ठीक है जी, व्यू बटन होंगे अगे, ये नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 56 देखो, डॉक्यूमेंट्स वाइड फॉरमेट में बनाने के लिए डैश चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी सबनों पता होना चाहिए, ये रिलेटेड आप पहला भी एक प्रश्न किया करना पवेगा पेज ओरिएंटेशन, ठीक है जी, पेज ओरिएंटेशन से आप क्लिक करा थले आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे पोर्ट्रेट तो लैंडस्केप, जे आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए आप चुना पोर्ट्रेट चुना, जे आपको विथ ज़्यादा चाहिए आप चुना लैंडस्केप चुना, ठीक है जी। सो इन्होंने की कहा गा वाइड मतलब विथ ज़्यादा चाहिए वाइड बनाने लिए, सो आप चुना लैंडस्केप चुना, सो कितों चे चुना पेज ओरिएंटेशन, सो ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाओ, ठीक है जी, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 57 देखो, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यूज टू डिस्प्ले फील्ड कोर्स। हाँ जी फील्ड कोर्स की होंगे अगे, मान लो अपना एक पैराग्राफ लिखा हुआ, ठीक है जी, ये पैराग्राफ में मान लो एक आह लाइन लिखी हुई हैगी, तुम लाइन के इतने नीचे अगे कर्सर लिया के की दब दौ आल्ट प्लस F9 दब दोगे तो उत्थे की आजूगा उस लाइन का रेफरेंस आजूगा, वो लाइन कितों लई गई है, ठीक है जी, वह रेफरेंस आजूगा, वह डिस्क्रिप्शन आजूगा, ठीक है जी, हाइपरलिंक आजूगा, ये नोट कर लियो। मतलब कद लई हुंदी हैगी रीफरेंस लई हुंदी है, ठीक है जी, कद लई हुंदी है रीफरेंस लई हुंदी है, भी लाइन कितों लैती गई है, यह सोर्स की है यदा, सो आल्ट प्लस F9 दब के आह पता कर सकते हैं, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, इंपॉर्टेंट आ नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 58 देखो, मैनुअल लाइन नूं ब्रेक करने लिए कि शॉर्टकट की वरतों होंगी है। तो देखो जी मान लो आप इतने लाइन लिख रहे दूसरी लाइन आप इतने तक लै गए, इतों आप ब्रेक करके अगली लाइन में लैके जानी है, ठीक है जी, सो आप की दबांगे, आप दबांगे शिफ्ट प्लस एंटर दबांगे, ठीक है जी, इनू की कहें मैनुअल लाइन ब्रेक कहें, सो अपनी लाइन ब्रेक हो गया अगली लाइन में स्टार्ट हो जूगी, ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, ठीक है जी, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 59 देखो, हेठ लिखियां विचों केड़ा मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट नूं सब तो वधिया ढंग नाल डिस्क्राइब करता है। हाँ जी इत्थे पहला देखो मेल मर्ज हुंदा की आ, वैसे मेल मर्ज काफ़ी वड्डा टॉपिक हैगा, इहनूं अलग करना पैना किसी वीडियो में आप अलग डिस्कस करांगे, प्रैक्टिकल करना पैना, ठीक है जी, पहला देखो हुंदा की आपां सिंपल विच देख देंगे, मेल मर्ज में दो तरह डॉक्यूमेंट हुंदे हैगे, एक तो अपना सिंपल डॉक्यूमेंट हुंदा, ठीक है जी, मेन डॉक्यूमेंट जिवें अपना एम एस वर्ड का डॉक्यूमेंट हो गया जिहदे विच कोई पैराग्राफ लिखा हुंदा जां कोई लैटर लिखा हुंदा गा, तो एक हुंदा अपना डाटा सोर्स, ठीक है जी, डाटा सोर्स कह सकते हो, डाटा बेस कह सकते हो, या फिर एम एस एक्सल की स्प्रैडशीट कह सकते हो, ठीक है जी, एक वो हुंदा, इन्हां दोनों नूं इहदे विच की कीता जांदा गा मर्ज कीता जांदा मतलब मिलाया जांदा, ठीक है जी, उहनूं की कहा जांदा गा मेल मर्ज प्रोसैस कहा जांदा, ठीक है जी, इह कित्थे पिया हुंदा गा मेलिंग दा अपना जिहड़ा टैब हैगा मेलिंग्स का टैब, ठीक है जी, उहदे विच अपना ऑप्शन कहदा मिल जूगा स्टार्ट मेल मर्ज का, ठीक है जी, स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन कितने मिल जूगा मेलिंग, ठीक है जी, इतों आप कर सकते हैं जोड़ा मेल मर्ज का प्रोसैस है उन्होंने स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, काफ़ी वाडा टॉपिक है कदम आप अलग पढ़ लेंगे, तो इतने अपना राइट ऑप्शन की बनता गा, सो इतने अपना की आज वधिया ढंग इनफोरमेशन दैट इज सेम फॉर एवरी फ्रॉम लैटर, ऑप्शन नंबर बी आजू, ठीक है जी, हाँ जी सेम फॉर एवरी फ्रॉम लैटर क्रिएटर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर फिर अपना बी आजूगा, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 60 देखो, वर्ड 2007 जूम किहड़े टैब में मौजूद होंदा है। हाँ जी जिहड़ा जूम हैगा ये दो टैब में होगा, इतने अपना आंसर आजूगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट्स बार में भी आजू, ठीक है जी, तो व्यू टैब में भी होंगे गा, व्यू टैब तो सबनों पता है, ठीक है जी, उपर अपना रिबन टैब हों, जे क्लिक करा इतने अपना ऑप्शन मिल जूगा जूम का, ठीक है जी, वे काफ़ी वाडा वाडा मिल जू तो देखने वो तो आप क्लिक करके डॉक्यूमेंट की कर सकते जूम कर सकते हैं, तो बाकी डॉक्यूमेंट के इस साइड पर अपन भी की मिल जूगा जूम मिल जाता, ठीक है, आप इस तरह बढ़ा सकते हैं इस तरह घटा सकते हैं, ये भी सारे ने देखे होना जिन्होंने एम एस वर्ड चलाया होना, ठीक है जी, तो बाकी एक प्रश्न आता होंगे गा आप ज़्यादा तो ज़्यादा कि जूम कर सकते हैं,
500%, ठीक है जी, किन्ना 500%, तो घट तो घट 10%, ठीक है जी। ये नोट करो, इंपोर्टेंट है, घट तो घट 10%, तो ज़्यादा तो ज़्यादा किन्ना जूम कर सकते हैं गे 500%, ठीक है जी, इंपोर्टेंट है, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 61 देखो, बॉर्डरस कितने लगते हैं? तो देखो जी, सैल्स, पैराग्राफ, टैक्सट, ऑल ऑफ अबव, तो इतने ना राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर 1 डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊ, ठीक है जी। ये सारे कितने बॉर्डरस लगते हैं, तो उसी होम टैब तुम्हें पैराग्राफ का ऑप्शन देखने मिल जूगा, ठीक है जी। और अपन की मिल जूगा, इतने बॉर्डर का ऑप्शन मिल जूगा, उत्ते क्लिक करा, सूँ अपन कई तरह के बॉर्डर देखने मिल जाएंगे, वो आप कोई भी बॉर्डर कितने भी लगा सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करके। ये नोट करो, पैराग्राफ उपर भी लगा सकते हैं, किसी सैल उपर भी आप कोई बॉर्डर बना सकते हैं, टैक्सट का भी बॉर्डर बना सकते हैं, ठीक है जी। सो इन तिना का आप किसी का भी बॉर्डर बना सकते हैं, पैराग्राफ का ऑप्शन होंगे गा, वो अपन बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता होंगे गा, सो उतो आप कोई भी बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारिया गलों नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 12 देखो, फाइंड कमांड का इस्तेमाल करके असी एम एस वर्ड में लभ सकते हैं, हाँ जी की लभ सकते हैं? इतने हमें राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर डी आल ऑफ अबव, ठीक है जी। करैक्टर्स में लभ सकते हैं, फॉरमेट्स में लभ सकते हैं, सिंबल्स में लभ सकते हैं, तो शॉर्टकट की होंगी है, कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है जी। फाइंड कमांड की शॉर्टकट की होंगी है, कंट्रोल प्लस एफ, ये बारे आप उपर भी पढ़िया। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 63 देखो, कंट्रोल प्लस जे की वरतों होंगी है, हाँ जी ये सबनों पता होना कहदे लिए होंगी हैगी, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, अलाइन जस्टिफाई, ठीक है जी। तो देखो जी, अपने हम पेज में पैराग्राफ लिखा हुआ है, अपन सारे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जे दब देंगे, तो वो जिहड़ा पैराग्राफ भावें इधर लिखे हो भावें कितने मर्जी लैन जाती होजूगा जस्टिफाई होजूगा, ठीक है जी। पेज की लेंथ तो विड्थ के अकॉर्डिंग पेज उपर की होजूगा, जस्टिफाई होजूगा, क्लीयर होगी गल। तो बाकी ये रिलेटड होर भी काफ़ी ज्यादा जिहड़ियां शॉर्टकट की ने, कंट्रोल प्लस एक अपनी एल होगी, ये कहदे लिए होंगी हैगी, लैफ्ट लाइन ली होंगी, ठीक है जी, लैफ्ट अलाइनमेंट ली होंगी हैगी। एक होंगी अपनी कंट्रोल प्लस आर, ये राइट अलाइनमेंट ली होंगी है, ठीक है जी, ये नोट करो। तो बाकी एक होंगी अपनी कंट्रोल प्लस ई, एक कद ली होंगी हैगी, सेंटर लाइन ली होंगी, ठीक है जी। सबनों पता होना चाहिए, तो पता भी होनी ने, मैं पता कंट्रोल प्लस एल कद ली होंगी, लैफ्ट लाइन ली होंगी हैगी, कंट्रोल प्लस आर कद ली होंगी हैगी, राइट अलाइनमेंट ली होंगी है, तो कंट्रोल प्लस ई कद ली होंगी हैगी, सेंटर अलाइनमेंट ली होंगी है, ठीक है जी। ये सारी गलों की कर लेना गा, नोट कर लेना गा। सो इतने राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजू, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 64 देखो, वर्टिकल स्क्रोल बार उपर मौजूद स्क्रोल बॉक्स दर्शाता है, हाँ जी ये की दर्शाता गा? इतने राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आजू, ठीक है जी। करंट रिलेटेड लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट पोर्शन डिस्प्ले इन द विंडो, वर्टिकल बार कड़ी होंगी है, इस तरह होंगी है, ठीक है जी। सो ये दसदी डॉकूमेंट की पोजिशन दसदी है, डॉकूमेंट में कई टैक्सट कितने प्रिंट होगा यह दस दिए, ठीक है जी। कि भी प्रश्न होता कि टैक्सट कितने प्रिंट होगा, कि लाइन कितने प्रिंट होगी, ये प्रश्न आता होंगे गा, ये आपको कि बार दस दिया गई, वर्टिकल स्क्रोल बार दस दिए, ठीक है जी। ये नोट करो, तो वर्टिकल स्क्रोल बार नाल ते होरीजोंटल बार आप की कर सकते हैं, पूरे डॉकूमेंट की पोजिशन चैक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये भी प्रश्न आता होंगे, सो सारी गलों की कर लेना गा, नोट कर लेना, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 65 देखो, कंट्रोल प्लस आर की वरतों होंगी है, हाँ जी आप उपरी गल करके हटे जी, यदा आंसर की कर दो, कमेंट कर दो, सारिया ने कमेंट करके दस दो, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 66 देखो, इन्हों के होम रिबन मौजूद नहीं होंगे, तो देखो जी कि मौजूद नहीं होंगे, काफ़ी बार तो मैं दस चुकिया पहला भी, जोड़ा अपना कॉलम है कितने होंगे गा, ये पेज लेआउट के ऑप्शन में होंगे, ठीक है जी, कितने होंगे गा, पेज लेआउट के टैब मौजूद होंगे, ठीक है जी। सो आ जो बाकी तिने ने फोंट कलर चेन स्टाइल फोंट ये कितने मौजूद होंगे ने गे, होम रिबन में मौजूद होंगे है। सो अपना की आजूगा, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न 67 देखो, किहड़े व्यू विच तुसी देख सकते हो टैक्सट अते ग्राफिक्स प्रिंटेड पेज उत्ते दिखाई देते हैं या नहीं, हाँ जी किहड़े पेज उत्ते देख सकते हो, इत्थे हुण राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजू, ठीक है जी। प्रिंट लेआउट ये तुहानूं पहलां भी दस्सिया सीगा, इह नोट कर लिओ। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न नंबर 68 देखो, एम एस वर्ड में रूलर तुहाडी की सहायता करता है, हाँ जी ये तुहानू पहला भी दस्या सीगा, रूलर बार है जिहड़ी की सहायता करती हैगी। सो इहदे नाल आपां टैब भी सैट कर सकते हैं, आपां हैंग इंडेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, जिवें तुहानू पहला दस्या सीगा। तो बाकी इहदे नाल आपां की कर सकते हैं, पेज के जिहड़े मार्जिनस ने डबल क्लिक करके पेज सैट डायल बॉक्स ओपन होजूगा, आप की कर सकते हैं, पेज के मार्जिनस चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। उतों तो आप की कर सकते हैं, तिने चीज़ा कर सकते हैं, उसने आप डी बिल्कुल राइट आंसर आओ, ठीक है जी, आल ऑफ अबव, ये नोट करो, इंपोर्टेंट हैगा। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी प्रश्न 69 देखो, किसी डॉकूमेंट की अपीयरेंस चेंज करने की कहें, हाँ जी की मान लो एक मतलब डॉकूमेंट आ,
हुण इहदी अपीयरेंस चेंज करनी है। किवें चेंज करोगे? इहदे विच मान लो पैराग्राफ लिखिया होया, आपां इहदी मान लो बैकग्राउंड चेंज करता, बोल्ड करते, ठीक है जी, टैक्सट बाकी बॉर्डर लगाते, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ? ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 70 ਦੇਖੋ। ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਸਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਰਸਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਬਾਂਗੇ ਡਿਲੀਟ, ਡਿਲੀਟ ਦੱਬਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਆ, ਡਿਲੀਟ ਦੱਬਾਂਗੇ ਆ ਏ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਲੀਟ ਦੱਬਾਂਗੇ ਬੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਆ। ਜੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਬੈਕ ਸਪੇਸ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਏ ਬੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੱਬਾਂਗੇ ਬੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੱਬਾਂਗੇ ਏ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 71 ਦੇਖੋ। ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਿਪੀਕਲੀ ਪੇਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੋਰ ਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਰਸ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਨੋਟਸ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋਗੇ, ਗਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੈਤੀ ਗਈ, ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਹ ਗਾਣਾ ਆਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਐਂਡ ਨੋਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਆਹ ਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਨੋਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ? ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਐਂਡ ਨੋਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 72 ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਰ ਐਰਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਆਟੋ ਕਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਵਰਡ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੇ? ਐਂਟਰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਲਈ ਸਪੇਸ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਟੋ ਕਰੈਕਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ? ਸਹੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 73 ਦੇਖੋ। ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਆਲ ਕੈਪਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਇਟ ਚੇਂਜ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਟੈਸਟ ਇੰਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਇਹ ਅਪਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਡੀ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ? ਆਲ ਕੈਪਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ? ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 75 ਦੇਖੋ। ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਇਫ ਯੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸਿਫਟ ਪਲੱਸ F8? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸਿਫਟ ਪਲੱਸ F8 ਨੂੰ ਦਬਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸਿਫਟ ਪਲੱਸ F8 ਦੱਬਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਡੱਬੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਊਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸਿਫਟ ਪਲੱਸ F8 ਦੱਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਚੌਰਸ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 75 ਦੇਖੋ। ਗਟਰ ਮਾਰਜਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਟਰ ਮਾਰਜਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਗਟਰ ਮਾਰਜਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਮਾਰ
पोजिशन, ठीक है जी। ये शॉर्ट फॉर्म लिखती मैं, ए टाइम मिल जूगा, ये थानू आ तिने मिल जाएंगे, ठीक है जी। ऑप्शन तिने मिल जाएंगे, आ नहीं मिलना है, सो ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आ जूगा, ये नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 77 देखो। एक सारणी बच्चे एक सैल तो दूजे सैल तक जाने ली, तो देखो अपना आ एक सारणी बनी हुई है, आप एक सैल अपना, ठीक है जी, आह सैल हैगा, आह सैल तो आप दूसरे सैल में जाना गा, तो आह सैल तो आप ए सैल में जाना गा, आप दब देंगे टैब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। सो ऑप्शन अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजगा, नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 78 देखो। हाँ जी, प्रश्न 78 देखो। और इन आना स इन एम एस वर्ड टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द नैक्सट वर्ड कमांड इज यूज्ड। तो देखो जी, हुण मान लो अपना और एक सेंटेंस लिख देना मारे, दिस इज रियल स्टडी, ठीक है जी। मैं लिखता दिस इज रियल स्टडी। सो मान लो अपने करसर उरे आ गया, हुण आपां की दबांगे कंट्रोल प्लस राइट एरो दबांगे, फिर अपना जिहड़ा करसर हैगा ऑटोमैटिक उरे आ जूगा। जे एक बार होर कंट्रोल प्लस राइट एरो दबांगे सो इत्थे वग जाओ, ठीक है जी। सो आपां खब्बे तो सज्जे पासे बार जा रहेंगे। जे इस तरह पिछे आना होवे, प्रीवियस आना होवे, इस तो इतने आना हो, इतों इतने आना हो, फिर आप दबाँगे कंट्रोल प्लस लैफ्ट एरो दबाँगे, ठीक है जी। समझ आ गई। जे इस जगह तो आप खब्बे तो सज्जे जाना हो, कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाँगे, जो आप सज्जे तो खब्बे आना हो, फिर आप दबाँगे कंट्रोल प्लस लैफ्ट एरो, ठीक है जी। सो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट आगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 79 देखो। हेठ लिखे विचों केड़ा ऑपरेशन क्लिपबोर्ड तो टैक्सट नूं मूव करता है। हाँ जी, केड़ा करता, सब नूं पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजगा, पेस्ट करता, ठीक है जी। आप किसी टैक्स में की करते हुए कट कर लिया, वो कट करके कितने बग जाता, क्लिपबोर्ड से बग जाता गा। सो क्लिपबोर्ड तो मूव कौन करता, जो आप पेस्ट कर दें, ठीक है जी, मूव हो जाता गा। सो ऑप्शन मेरा अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजगा, नोट कर लियो, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 80 देखो। विच लैंगुएज डज एम एस वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज। तो देखो जी, यहाँ आंसर की करो, कमेंट करके दस दो सारे विद्यार्थी, यदा आंसर कमेंट करके दस दो, सारे विद्यार्थी सही आंसर देना गा। तो बाकी एम एस वर्ड का जोड़ा सैक्शन है वो अपने इतने समाप्त होंगे गा। एम एस वर्ड के होर भी एम सी क्यूज है गए, और जिमें जिमें आप प्रैक्टिस सैशन करा उमें करते रहेंगे, ठीक है जी। कोई भी अपना प्रश्न यहोजा नहीं छड़ते नहीं है, जोड़ा पेपर में आ गया तो आप ना कराया हो, सारे कंप्लीट करने वाले आगे, इस करके चैनल सबसक्राइब कर लो। तो हूँ आप अगे पढ़ा एम एस एक्सल बारे, एम एस एक्सल बारे अपनी एक पहला वीडियो बनी हुई हैगी, मैं नाल की कर दूंगा जोड़ दूंगा, ठीक है जी। इस करके वीडियो कंप्लीट जरूर देखना गा, इस वीडियो में ही तो पेपर में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने मिल जाएंगे, ठीक है जी। एम एस एक्सल भी जोड़े आप वीडियो बनाई भी पी ट्रिपल एस भी क्लर्क हो गया, आई टी हो गया, ठीक है जी। पटवारी के पेपर में भी काफ़ी ज्यादा प्रश्न आए थे, सो इस करके की करना वीडियो नू पूरा जरूर देख लियो। हुण अगे आप पढ़ांगे एम एस एक्सल बारे, ठीक है जी। तो चलो जी, फिर आप स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एम एस एक्सल की डिफॉल्ट एक्सटेंशन की होंगी है? तो देखो जी, जो आप एम एस एक्सल कोई फाइल तैयार कर देंगे तो वो जी एक्सटेंशन होंगी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आजगा, डॉट एक्सएल एस एक्स होंगी है, ठीक है जी। नोट करो, ये तीन तरह की होंगे ने, ठीक है जी। एम एस एक्सल जी एक्सटेंशन ने गियाँ तीन तरह की होंगे ने, एक तो आई होंगी, ठीक है जी। ये 2007 तो लैके हूँ तक एम एस एक्सल के जिन्हें भी वर्जन आए गए उन्होंने आ एक्सटेंशन होंगी, ठीक है जी। एक होंगी सी अपनी डॉट एक्स एल एस, ठीक है जी, ये होंगी सी। ये 2003 होंगी सी, ठीक है जी, ये 2003 होंगी सी जो एम एस एक्सल सीगा। तो एक हैगी अपनी डॉट एक्स एल एस एम, ठीक है जी, ये होंगी हैगी मैक्रोज लई, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट आ, नोट करो, ये भी प्रश्न आता होंगे गा, मैक्रोज लई एम एस एक्सल कि एक्सटेंशन होंगी हैगी, डॉट एक्स एल एस एम होंगी है, ठीक है जी। ये मैक्रोज लई होंगी हैगी, ये सारिया गल्लां नोट कर लो। चलो जी, अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2 देखो। वर्क बुक हेठ लिखिया विचों किस तो मिलकर बनती है? हाँ जी, इतने अपना राइट ऑप्शन आजूगा, ऑप्शन नंबर डी वर्कशीट्स एंड चार्ट तो, ठीक है जी। नोट करो, जी वर्क बुक हैगी वर्कशीट्स एंड चार्ट तो मिलकर बनती है, ठीक है जी। हुण प्रश्न इस तरह भी आ सकता गा, वर्क स्पेस किस तो मिलकर बनती हैगी? वर्क स्पेस मिलकर बनती हैगी, ऑप्शन नंबर ए आजूगा फिर वर्क बुक्स तो, ठीक है जी। नोट करो, इंपॉर्टेंट आए प्रश्न आते होंगे पेपर में, जी वर्क बुक हैगी मिलकर बनती है वर्कशीट्स एंड चार्ट तो, ठीक है जी। तो जो वर्क स्पेस हैगी कितों मिलकर बनती हैगी? मिलकर बनती है वर्क बुक्स तो, ठीक है जी। सारे नोट कर लो। चलो जी, अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 3 देखो। एम एस एक्सल आपकी जगह पर वैल्यूज और फार्मूला भर सकते हैं? तो देखो जी, जिन्होंने एक्सल चलाया होना गा उन्होंने तो पता होना गा, जी अपनी वर्कशीट होंगी है ये उपर की होंगी हैगी एक फॉर्मूला बार होंगी, ठीक है जी। इतने आप भर सकते हैं वैल्यूज इतने फार्मूला भर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजगा। एक प्रश्न होर आता होंगे गा, एम एस एक्सल फार्मूला भरन तो पहला किहड़ा साइन लगता गा? इक्वल टू द साइन लगता, ठीक है जी। किहड़ा साइन लगता गा? इक्वल टू द साइन लगता, नोट करो। चलो जी, अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 4 देखो। विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगन? हाँ जी, आप उपरी गल करके हटेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आजगा। चलो जी, अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 5 देखो। एम एस एक्सल हेठ लिखे विचों किस उत्ते बेस्ड है?
तो देखो जी इतने अपना राइट ऑप्शन आ जूगा ऑप्शन नंबर ए विंडोज़ उपर बेस्ड आ। ठीक है जी, वैसे एम एस एक्सल एंडरॉयड में भी सपोर्ट करता गा, एंडरॉयड में भी सपोर्ट करता गा, मैकओएस भी सपोर्ट करता। ठीक है जी, ये भी प्रश्न आ जाते होंगे अगे, आईओएस भी सपोर्ट करता। ठीक है जी, नोट करो। तो एम एस एक्सल आ जिहड़ा किहड़ी कंपनी द्वारा बनाया गया गा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है जी, तो एम एस एक्सल है की आगा, एम एस एक्सल किनू कहें है स्प्रैडशीट नू कहें। ठीक है जी, हुण स्प्रैडशीट किनू कहें है, जिथे भी तुहानू डाटा रोज़ अते कॉलम विच मिले उहनू आपां की कहांगे, स्प्रैडशीट कहांगे। ठीक है जी, जिथे भी तुहानू डाटा रोज़ अते कॉलम विच मिलदा गा उहनू आपां की कहांगे, स्प्रैडशीट कहांगे। एम एस एक्सल की अपना एक स्प्रैडशीट आ। ठीक है जी, नोट करियो। चलो जी अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक वर्कबुक नू सेव करन लई, तो देखो जी एक्सल विच अपने की हुंदा गा, एक फाइल मीनू हुंदा। ठीक है जी, जे आपां उहते क्लिक करांगे फिर नीचे की आऊगा, एक सेव ऑप्शन आऊगा, फिर आपां उहते क्लिक करांगे अपनी जिहड़ी वर्कबुक आ गई उह सेव होजू। ठीक है जी, सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, क्लिक द सेव ऑप्शन इन फाइल मीनू। ठीक है जी, ये आपां तीन तरीके नाल कर सकते हैं। एक तो आही तरीका हो गया। ठीक है जी, एक हुंदी अपनी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस, एक हुंदी अपनी F12। ठीक है जी, जिहड़ी F12 हुंदी आ इह हुंदी आ गी सेव एज लई। हुण सेव ते सेव एज विच की फर्क हुंदा गा, तो देखो जे तुसीं कोई फाइल नूं नवें नाम नाल सेव करना चाहुंदे हो, ठीक है जी, जां कोई पुराने नाम विच बदलाव करना चाहुंदे होगे, तां कादी वरतों करोगे, सेव एज दी वरतों करोगे। ठीक है जी, जे मान लो तुसीं इदां ही सेव करना चाहुंदे हो भी कोई भी नाम विच बदलाव नहीं करना चाहुंदे पुरानी फाइल दे, तां तुसीं की करोगे, कंट्रोल प्लस एस करोगे। ठीक है जी, जां फिर फाइल मेन्यू विच जाके सेव दे ऑप्शन नूं चुनोगे। ठीक है जी, ये नोट करो, ये फर्क हुंदा गा सेव ते सेव एज विच। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। एक्सल वर्कशीट के पहले सैल में की कहते हैं, तो देखो जी अपने एक्सल में किस तरह बनया हों, इस तरह कॉलम दिते होंगे। ठीक है जी, ए बी सी डी ई। ठीक है जी, इस तरह की होंगे रोज़ होंगे ने। ठीक है जी, तो इस तरह की बने होंगे गे, सैल बने होंगे। ठीक है जी, की बने होंगे गे, सैल बने होंगे गए। जिम्मे आप आह सैल का एड्रैस पता करना गा, की होगा एड्रैस C2 होगा। ठीक है जी, सी कॉलम बच्चा रो कि बच्चा दूजी बच्चा। ठीक है जी, की होगा एड्रैस C2 होगा। हूँ इन्होंने कहड़ा पूछा गा, पहले सैल का एड्रैस पूछा गा, पहला सैल कि आही हूँ गा, तो यह एड्रैस की होगा A1 होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। तो जोड़े सारे एड्रैस ने दिखाई कितने देंदे गए, इतने नेम बॉक्स हों गा। ठीक है जी, इतने नेम बॉक्स हों गा, उत्तर सारे की ने एड्रैस सैलों के दिखाई देंगे। ठीक है जी, जिम्मे आप आह सैल एड्रैस चुन लिया, तो एड्रैस कितने दिखाई देगा, D3 कितने दिखाई देगा, इतने दिखाई देगा। ठीक है जी, नेम बॉक्स में नोट करो। चलो जी अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 8 देखो। एक्सल में सैल का एड्रैस किस जगह पर दिखाई देता। हाँ जी, आप उपरी गल करके हटे जाएंगे, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, नेम बॉक्स में। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 9 देखो। एक सारी रो नू हाइड करन लई किस शॉर्टकट की वरतों हुंदी है। तो देखो जी, जिवें अपनी आह सारी रो आ गई। ठीक है जी, आपां सारी रो नू हाइड करना की करांगे, आपां सारी रो नू पहले सिलेक्ट करांगे। ठीक है जी, उस तो बाद आपां की दबांगे, कंट्रोल प्लस 9 दबांगे। ठीक है जी, अपनी सारी रो की होजूगी, गायब होजूगी। जिवें उत्थे 4 नंबर आ, इत्थे 5 नंबर आ, इत्थे 6 नंबर आ। ठीक है जी, तां 5 नंबर रो सारी गायब होजूगी, नोट करो। इस तरह ही जे आपां कॉलम नू करना गा, इस तरह जे आपां कॉलम नू हाइड करना गा, फिर आपां की करांगे, सारे कॉलम नू सिलेक्ट करांगे। ठीक है जी, उस तो बाद आपां दबांगे कंट्रोल प्लस 0। ठीक है जी, फिर अपना सारा की होजूगा, कॉलम हाइड होजूगा, ये नोट करो। चलो जी अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 10 देखो। एक्सल 2019 रॉन उरे रोज़ आना सीगा, रोज़ की ज़्यादा तो ज़्यादा संख्या कितनी है। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न अपना, अक्सर पेपर में बार बार पूछा जाता गा। तो देखो इतना राइट ऑप्शन आजूगा, ऑप्शन नंबर B 10,48,576। ठीक है जी, नोट करो किनी हैगी, 10,48,576 हैगी, नोट करो। तो कॉलम की पूछ लैन, कॉलम की किनी हैगी, कॉलम की हैगी 16,384। कॉलम की संख्या किनी हैगी, 16,384। ठीक है जी, रो की संख्या किनी हैगी, 10,48,576। ठीक है जी, नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 11 देखो। एम एस एक्सल में डाटा नू रिप्लेस करन लई किस शॉर्टकट की वरतों होंदी है। तो देखो जी, जो तुसी एम एस एक्सल में कंट्रोल प्लस एच दबोगे, तो अपने एक की खुलूगा, डायलॉग बॉक्स खुलूगा। ये आप इतने की भरेंगे, पहले बॉक्स में भरेंगे भी जेडे आप शब्द को रिप्लेस करना, बदलाव करना। ठीक है जी, इतने भरेंगे जेडे शब्द नाल रिप्लेस करना। ठीक है जी, वह भरेंगे, इतने अपना रिप्लेस बटन हूँ लिखा आऊगा, उसे आप क्लिक करेंगे, फिर अपना की होजूगा, वह वर्ड रिप्लेस होजूगा। ठीक है जी, जे किसी वर्ड में फाइंड करना, वह किवें करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ नाल। ठीक है जी, नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 12 देखो। पूरे कॉलम नू सिलेक्ट करने लई किस शॉर्टकट की वरतों होंगी है। हाँ जी, इतने अपना राइट ऑप्शन आजूगा, ऑप्शन नंबर D कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है जी, जिवें अपना सारा कॉलम हैगा, इनू आपां सिलेक्ट करना गा, तो की करांगे, एक सैल नू पहले सिलेक्ट करांगे। ठीक है जी, उस तो बाद आपां दबांगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार, अपना सारा कॉलम की होजूगा, सिलेक्ट होजूगा। ठीक है जी, इस तरह जे आपां रो नू करना गा, इस तरह जे आपां पूरी रो नू सिलेक्ट करना किवें करांगे, तो एक सैल उपर क्लिक करांगे, उस तो बाद की दबांगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार, की दबांगे
ਸਿਫਟ ਪਲੱਸ ਸਪੇਸ ਬਾਰ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੋਅ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਕੋਲਮ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸਪੇਸ ਬਾਰ, ਰੋਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਸਪੇਸ ਬਾਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੇਖੋ, ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਕ ਬੁੱਕਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਮਜ ਹੋਣ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਪਰੈਡ ਸ਼ੀਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, MS Excel ਵਿੱਚ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਆਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਾ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ MS Excel ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੇਖੋ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਜੂਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, F7 ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ F7 ਦੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਖੁੱਲੂ ਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੂ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਰੋਂਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਆਹ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਆਹ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ F7 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੇਖੋ, ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਟਰਮ ਆਫ MS Excel। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ MS Excel ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਜੂਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸੈਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, MS Excel ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, MS Word ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚਾਰਟ MS Excel ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਜੂਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਏਰੀਆ, ਲਾਈਨ, ਪਾਈ, ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੇਖੋ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਡੀ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕੀ ਯੂਜਡ ਫੋਰ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਐਕਸਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਜੂਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਫਿਲ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਸੈੱਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਡੀ ਦੱਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਜੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ ਆਜੂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਲ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਡੀ ਦੱਬਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21 ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਦੇਖੋ, ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਆ ਸੈੱਲ ਇਨ ਕਰੰਸੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਸਿੰਬਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੰਸੀ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਸਿੰਬਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਹੋਮ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਜੂਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਐਡਿਟ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਗਨੋਰ ਆਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਚੇਂਜ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, F7। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, F7 ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਦੇਖੋ, ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ
ਕਾਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਪਿਕਚਰਸ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੇਜ ਜੋੜਨੀ ਹੋਵੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਇਨਸਰਟ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਦੇਖੋ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, 350 ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਆ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਮਈ 10, 2001 ਡੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 50,771 ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਐੱਮ ਐੱਸ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਦੇਖੋ। ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਾਰ ਜੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਖੁੱਲਜੂਗਾ? ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਰਜਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੈਡਰਸ ਐਂਡ ਫੁੱਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਦੇਖੋ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਇਹ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਦੇਖੋ। ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕਸ ਕੈਨ ਬੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਰਾਵਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ? ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਡਰਾਵਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਡਰਾਵਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਡਰਾਵਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗਾ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕਸ ਕੈਨ ਬੀ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29 ਦੇਖੋ। ਸ਼ੋਰਟ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰਟ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡਾਟਾ ਟੈਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਡਾਟਾ ਟੈਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਸ਼ੋਰਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਸ਼ੋਰਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ? ਸ਼ੋਰਟ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੇਖੋ। ਇਨ ਐਕਸਲ ਵਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇਨ ਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਇਨ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਊ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 0789, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ? ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਾਏ ਡਿਫੋਲਟ। ਬਾਏ ਡਿਫੋਲਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਇਨ ਐਕਸਲ ਬਾਏ ਡਿਫੋਲਟ ਇਨ ਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਅਪੀਅਰਸ ਇਨ ਰਾਈਟ ਅਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 31 ਦੇਖੋ। ਵੱਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਫ ਯੂ ਟਾਈਪ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 ਇਨ ਸੈੱਲ C1? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਜੂਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਲ C1 ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੈੱਲ C1 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਰ ਦਿਓਗੇ? ਇਕੁਅਲ ਟੂ A1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਾ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਾ? ਵੀ A1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ? B1 ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? 50 ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 50 ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ? ਟਰੂ ਆਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਟਰੂ ਆਜੂਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਹੈਗੀ ਅਤੇ B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? 40 ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਜੂਗਾ? ਫਾਲਸ ਆਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਫਾਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
हाँ जी क्वेश्चन नंबर 32 देखो, न्यू कमेंट ऑप्शन डैश टैब होंगे है। हाँ जी जो न्यू कमेंट ऑप्शन होंगे गा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजगा, रिव्यू टैब होंगे। ठीक है जी, तो देखो एक्सल अपन इतने की दिता हों गा एक रिव्यू टैब दिता हों। ठीक है जी, तो आप रिव्यू टैब पर क्लिक करा उस तो बाद अपन इतने की मिलेगा एक न्यू कमेंट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है जी, एक न्यू कमेंट ऑप्शन मिलेगा उस तो बाद आप उत्ते क्लिक करा। ठीक है जी, उस तो बाद एक कमेंट बॉक्स खुल जूगा तो वह आप कोई भी कमेंट टाइप करा तो उस तो बाद जो भी अपना सैल सिलेक्ट होगा। ठीक है जी, तो कमेंट टाइप करने तो बाद आप ओके करा उस तो बाद जो भी सैल अपना सिलेक्ट होगा वह कॉर्नर पर की बन जूगा एक निशान बन जूगा। ठीक है जी, तो जो भी अपना एरो उस निशान पर जाऊगा तो आप जो अपना टाइप किया कमेंट आगा वो दिखाई देगा। ठीक है जी, तो इस तरह होंगे गा ये कमेंट न्यू कमेंट ऑप्शन कितने होंगे गा रिव्यू टैब हों। ठीक है जी, नोट करो सारी चीज़ा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, एक नवी वर्कबुक बनाते समय सीट्स की डिफॉल्ट संख्या ज़्यादा तो ज़्यादा कितनी निर्धारित होती है। हाँ जी, इतने अपना राइट ऑप्शन आजगा ऑप्शन नंबर बी 255 होती है। ठीक है जी, वर्कबुक की तो मिलकर बनती हैगी वर्कशीट तो मिलकर बनती है। ठीक है जी, तो शीट की जी संख्या होंगी हैगी जी डिफॉल्ट संख्या होंगी हैगी ज़्यादा तो ज़्यादा 255 निर्धारित होंगी। ठीक है जी, नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, एम एस एक्सल 2019 कॉलम की मैक्सीमम संख्या कितनी होती है। हाँ जी, ये बारे आप पहले भी गल की, सारे पता होना चाहिए गा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आजगा 16,384 होंगी है। ठीक है जी, तो रोज़ की कितनी होंगी हैगी 10,48,576 होंगी है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, एक्सल दे एक सैल में ज़्यादा तो ज़्यादा किन्ने करैक्टर टाइप किए जा सकते हैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ, एक सैल में पुछते है जिम्मे अपना एक सैल हैगा ये ज़्यादा तो ज़्यादा किन्ने करैक्टर टाइप किए जा सकते हैं। इतने अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आजगा 32,767। ठीक है जी, किन्ने 32,767 बिल्कुल राइट आंसर आजगा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, यू कैन एक्टिवेट अ सैल बाय। हाँ जी, आप एक सैल में एक्टिवेट कर सकते हैं प्रेसिंग द टैब की। हाँ जी बिल्कुल, टैब की तो क्लिक करके आप प्रेस करके। ठीक है जी, सैल में एक्टिवेट कर सकते हैं क्लिकिंग द सैल, सीधा सैल से आप क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रेसिंग अन एरो की। ठीक है जी, जी एरो की हैगी प्रेस करके आप सैल में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इतना अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आजगा आल ऑफ अबव। ठीक है जी, नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, वर्कशीट नू बनाउन लई इन्हां विचों केड़ा एक बेसिक स्टैप नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए देखो, पहला सेव वर्कबुक, वर्कबुक नू सेव करना। तो देखो जी, वर्कबुक कितों मिलकर बनती हैगी वर्कशीट तो मिलकर बनती है। ठीक है जी, तो वर्कबुक नू आपां की करते हुंदे आ जदों अपना काम समाप्त हो जाए सेव करते हुंदे। ठीक है जी, ये तो एक बेसिक स्टैप हैगा गा। तो मॉडिफाई द वर्कशीट, वर्कशीट नू मॉडिफाई करना, जिवें इत्थे अपना आ कलर होना चाहिए गा, इत्थे आ बैकग्राउंड कलर होना चाहिए गा, इत्थे आ टैक्सट होना चाहिए। ठीक है जी, आप मॉडिफाई करते हुए वर्कशीट नू तो यह भी अपना बेसिक स्टैप हैगा। ठीक है जी, एंटर टैक्सट एंड डाटा, किसी टैक्सट नू एंटर करना, डाटे नू एंटर करना, यह तो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है जी, यह भी अपना बेसिक स्टैप हैगा गा। कॉपी द वर्कशीट, आप वर्कशीट नू कॉपी भी करते हुए गे पर अपना बेसिक स्टैप नहीं है। ठीक है जी, एक वर्कशीट नू बनाने लई कॉपी करना उसनों एक बेसिक स्टैप नहीं है। वैसे करते तो होंगे अपना पर अपना बेसिक स्टैप नहीं है। ठीक है जी, एक आम स्टैप नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आजगा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, कनकैडीनेशन ऑफ टैक्सट कैन बी डन यूजिंग। हाँ जी, पहले देखो कनकैडीनेशन किनू कहते हैं। तो देखो जी, कनकैडीनेशन कहते हैं दो सैलों आपस में जोड़न। तो देखो जिमें अपने एक आ सैल दिता हुआ, तो आपको एक आ सैल दिता हुआ, तो आपको एक आ सैल दिता हुआ। ठीक है जी, हुण अपना है ए वन, आएगा अपना बी वन, आएगा अपना सी वन। ठीक है जी, ए वन में लिखा है पी यू एन, बी वन में लिखा जे ए बी, तो सी वन अपना खाली है। ठीक है जी, तो आप ए वन तो बी वन जोड़ना गा सी वन में, किमें जोड़ा। तो देखो जी अपनी फॉर्मूला बार है। ठीक है जी, उत्थे पहले आप करा सी वन सिलेक्ट करा। ठीक है जी, उस तो बाद फॉर्मूला बार में इक्वल टू लगावे, उस तो बाद ए वन सिलेक्ट करा। ठीक है जी, ए वन आ गया, उस तो बाद करा एम्पर सैन लगावे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आजगा, की लगावे एम्पर सैन का साइन लगावे, किनू एंड का साइन भी कहें। ठीक है जी, इनू आप लगावे, तो उस तो बाद आप करा बी वन सिलेक्ट करा। ठीक है जी, बी वन सिलेक्ट हो गया, उस तो बाद करा एंटर दबागे, तो दोनों की हो जाएंगे मिल जाएंगे किड़े सैल में, सी वन सैल में। ठीक है जी, की बन जूगा मिलकर पी यू एन जे ए बी बन जू। ठीक है जी, की बन जूगा पंजाब बन जूगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं दो सैलों आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, कि साइन एम्पर सैन के साइन। ठीक है जी, नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, हेठ लिखियां विचों किसका इस्तेमाल करके डाटा नूं सही ढंग नाल अरेंज किया जा सकता है। हाँ जी, इतने अपना राइट ऑप्शन आजगा ऑप्शन नंबर डी आल ऑफ अबव। ठीक है जी, ऑटो फॉरमेटिंग, अपलाई स्टाइल्स,
चेंजिंग फॉन्ट्स, आपां फॉरमैटिंग करके भी डाटा नूं रेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, वक्ख वक्ख आपां की कर सकते हैं, स्टाइल भी लगा सकते हैं चेंजिंग फॉन्ट्स। ठीक है जी, फॉन्ट्स भी आपां चेंज कर सकते हैं, इस तरह आपां डाटा नूं अरेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, इन्हां विचों कौन सी एक इनवैलिड स्टेटमेंट है? तो देखो ऑप्शन नंबर ए देखो, पहला सीड्स टैब कैन बी कलर्ड, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, हो सकता है, तो सम पिक्चर कैन बी अपलाइड एज अ बैकग्राउंड ऑफ अ सीट। हाँ जी, ये भी हो सकता है, सीट के बैकग्राउंड में आप फोटो लगा सकते हैं। ठीक है जी, यू कैन सैट द कॉलम विथ ऑटोमैटिकली फिट द अमाउंट ऑफ टैक्सट, ये भी सही है। ठीक है जी, आप कॉलम की जी चौड़ाई हैगी ऑटोमैटिकली फिट कर सकते हैं अपने जोड़ा टैक्सट है वो हिसाब से। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी देखो, विथ ऑफ अ रो कैन बी स्पेसीफाइड मैनुअली और फिट ऑटोमैटिकली, ये गलत है। ठीक है जी, सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, जो फॉर्मूला बार एक्टिवेट होंगी है तो हेठ लिखिया विचों किहड़े ऑप्शन दिखाई देते हैं? तो देखो जी, जी अपनी फॉर्मूला बार हैगी जो आप क्लिक करते हैं एक्टिवेट हो जाती। ठीक है जी, तो इतने आप ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, तिने ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है जी, द डिट फॉर्मूला बटन, ठीक है जी, ये भी इतनी होंगे गा, द कैंसल बटन, ठीक है जी, ये भी उरी होंगे। ठीक है जी, द एंटर बटन, ठीक है जी, ये सारे तिने की आप इतने दिखाई देते हैं। ठीक है, जो अपनी फॉर्मूला बार एक्टिवेट होंगी है, ये नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, बी लुकअप फंक्शन की काम करता है? हाँ जी, जिहड़ा बी लुकअप फंक्शन होंगे गा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड, जो अपना डाटा होंगे गा वो रिलेटेड जो रिकॉर्ड होंगे गा वह फाइंड करने का काम करता। ठीक है जी, बी लुकअप फंक्शन। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 43 देखो, किसी सैल में डाटा भरने लिए हेठ लिखिया विचों किहड़े तरीके की वरतों नहीं की जा सकती? तो देखो जी, इतने अपना राइट ऑप्शन आजूगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिंग द एस्केप की। ठीक है जी, तो देखो प्रेसिंग एंड एरो की, ये बारे आप पहले भी गल की थी। ठीक है जी, जो आप एरो की प्रेस कर देंगे तो वो जो अपना सैल हैगा एक्टिवेट हो जाता गा, तो आप डाटा भर सकते हैं। ठीक है जी, प्रेसिंग द टैब की, जो आप टैब की ते क्लिक करते हैं उदों भी अपना सैल एक्टिवेट हो जाता। ठीक है जी, प्रेसिंग द एस्केप की, एस्केप की बिना नहीं हुंदा, सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार, जो आप फॉर्मूला बार से क्लिक कर देंगे उदों भी जी अपना पहला सैल सिलेक्ट होया हुंदा गा वो एक्टिवेट हो जाता। ठीक है जी, नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, हेठ लिखे विचों किहड़ा इन्फॉर्मेशन नूं कट नहीं कर सकता? तो देखो जी, इतने अपना राइट ऑप्शन आजूगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस सी। ठीक है जी, कंट्रोल प्लस सी ना की हुंदा गा, कॉपी हुंदा गा, कट नहीं हुंदा, नोट करो। सिलेक्टिंग कट फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, जो थोड़े क्विक एक्सेस टूल बार में जो कट बटन ऐड किया हुआ है तो तुम ये भी कर सकते हो। ठीक है, कट कर सकते हो, क्लिकिंग द कट बटन ऑन होम टैब, होम टैब पर आप क्लिक करके उत्थे आपां नूं तुहानूं पता ही सब नूं। ठीक है जी, कट बटन हुंदा गा उत्थे आपां क्लिक करके की कर सकते हैं, इनफॉर्मेशन नूं कट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है जी, सब नूं पता ही होना शॉर्टकट की हैगी कट बटन की। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 45 देखो, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू अन अकाउंटेंट वर्कशीट? तो देखो, इतने अपना राइट ऑप्शन आजूगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्रैडशीट्स। ठीक है जी, तो देखो जो अकाउंटेंट वर्कशीट होंगी हैगी भी की होंगे है रोज एंड कॉलम होंगे। ठीक है जी, अपने स्प्रैडशीट में भी की होंगे है रोज एंड कॉलम होंगे है, सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, इन्हां विचों कौन ओल्डेस्ट स्प्रैडशीट पैकेज है? तो देखो जी, इतने अपना राइट ऑप्शन आजूगा ऑप्शन नंबर ए, बिसी कल्स है जी, ये सब तो ओल्डेस्ट स्प्रैडशीट पैकेज है। ठीक है, नोट करो, तो सब तो मशहूर पूछ लैन। ठीक है जी, सब तो मशहूर DOC स्प्रैडशीट पैकेज कौन होंदी सी? लोटस। ठीक है जी, लोटस 1, 2, 3 नोट करो, इस तो बाद एक्सल आ गया सीगा, इस तो बाद एक्सल आया सीगा, नोट करो। सब तो मशहूर अपनी कौन होंदी सी? DOC स्प्रैडशीट पैकेज, लोटस 1, 2, 3 होंदी सी। ठीक है जी, नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 47 देखो, हेठ लिखिया विचों कौन सब तो मशहूर DOC बेस्ड स्प्रैडशीट पैकेज सी? तो देखो जी, ये बारे आप उपर ही गल करके हटे, सबू पता होना चाहिए गा, यदा आंसर तुम कमेंट कर दो। ठीक है जी, सबू पता ही होना गा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, आ वर्कशीट रेंज इज आ, हाँ जी, वर्कशीट रेंज किनू कहें है? तो देखो जी, मैं अपना हाँ कॉलम दिता हुआ। ठीक है जी, ये की होंगे है वक् वक् की होंगे सैल होंगे। ठीक है जी, तो मान लो आप आ सैल तो लैके आ सैल तक की करना गा, सिलेक्ट करना। ठीक है जी, सारा की करना है, सिलेक्ट करने है। मान लो आप A1 तो लैके आप C3 तक सिलेक्ट करने। ठीक है जी, तो आप की कहे इनू, सारे की कहे रेंज कहे। ठीक है जी, की हो गए सारे ग्रुप ऑफ सैल्स हो गए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आओ। ठीक है जी, A1 तो लैके C3 तक की हो गया ग्रुप ऑफ सैल्स हो गए। ठीक है जी, जो कोई एक्सपर्ट होंगे मान लो आप जो कोई फार्मूला लगाना गा, हूँ इस फार्मूला इस तरह भी लग सकता A1 A2, ठीक है जी, A3, इस तरह भी आप सम कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ कर सकते हैं सारे का, पर जोड़े एक्सपर्ट होंगे वो की करते होंगे
A1 तो लैके सीधा रेंज लगाउंगे कितने तक, जिथे तक आप जोड़ करना गा, जिवें C3 तक करना गा, ठीक है जी। फिर की करांगे आप, रेंज लगा के पूरे इक्वल टू लगा के, ठीक है जी, रेंज लगा के पूरे अपना सम लिख के आप एंटर दबाँगे। A1 तो लैके C3 तक अपने जिन्हें भी सैल ने सारे का की होजूगा, सम होजूगा, ठीक है जी। इनू कहते हैं रेंज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 49 देखो। ड्रैग एंड ड्रॉप की सहायता नाल सैल कॉन्टेनेंट्स नूं कॉपी करने लिए कीड़ी की दी वरतों करोगे। हाँ जी देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप की सहायता नाल जे आप सैल कॉन्टेनेंट कॉपी करना गा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। नाल आपां नूं दबना पौगा कंट्रोल की, ठीक है जी, ये नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 50 देखो। ईच एक्सल फाइल इज अ कॉल्ड अ वर्कबुक बिकॉज। हाँ जी, तुहानू सभनूं इहदा राइट आंसर पता होना चाहिदा गा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। इट कैन कंटेन मैनी वर्कशीट्स एंड चार्ट, ठीक है जी। वर्कबुक विच की हुंदे आगे वर्कशीट्स हुंदियां ने, ते चार्ट हुंदे आगे, ते वर्क स्पेस विच की हुंदे आगे वर्कबुक्स हुंदियां, ठीक है जी, नोट करो, इंपॉर्टेंट है ये। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51 देखो। नंबर की सीरीज नूं ऐड करन लई किस बटन ते क्लिक करोगे। तो जी देखो, इतने अपना राइट ऑप्शन आजूगा, ऑप्शन नंबर ए द ऑटोसम बटन ते, ठीक है जी। तो देखो, जिम्मे मान लो अपना एक कॉलम आगा, तो कॉलम में अपने सैल ने, ठीक है जी, तो इन्हों की आप लवेंगे रेंज लवेंगे, ठीक है जी। जिमें आप पहला भी गल की थी, रेंज की होंगी हैगी, तो इतों आ सैल तो लैके आप आ सैल तक रेंज लवेंगे, तो उस तो बाद आप क्लिक करा ऑटोसम बटन से, ठीक है जी। तो अपना फिर नीचे की होजूगा, सारे का टोटल होजूगा। इस तरह ऑटोसम बटन आप की कर सकते हैं, नंबर की जी सीरीज होंगी सारी आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, वह सम कर सकते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 52 देखो। इन्हों केड़ी MS एक्सल बैल्ट जूम परसेंटेज नहीं है। तो देखो जी, इतने अपना राइट ऑप्शन आजूगा, ऑप्शन नंबर डी 500, ठीक है जी। तो देखो, जिमें मान लो अपनी आह एक्सल की स्प्रैड शीट है, ठीक है जी, तो इतने की दिती होंगी हैगी, ये दिती होंगी जूम परसेंटेज, तो आप इतने बढ़ा भी सकते हैं, इतों घटा भी सकते हैं, ठीक है जी। ज़्यादा तो ज़्यादा जी होंगी हैगी 400 तक होंगी है जी, तो घट तो घट कि होंगी हैगी 10 होंगी है, ठीक है जी, नोट करो। आप इतों भी कर सकते हैं, बाकी अपना व्यू टैब पर क्लिक करके उत्थे जूम का ऑप्शन होंगे गा, उतों भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 53 देखो। जदों तुसीं एक्सल फाइल नूं वर्ड दे डाकूमेंट विच इंसर्ट करते हो तो डाटा आपस विच, हाँ जी, जदों भी आप कोई एक्सल दी फाइल नूं कोई वर्ड दे MS वर्ड दे डाकूमेंट विच इंसर्ट करते हैं तो डाटा दोनों दा आपस विच की हो जाता गा, लिंकड हो जाता, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 54 देखो। मैक्रोज रन और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम विच ऑफ द मेन्यू। हाँ जी, इतने अपना राइट ऑप्शन आजूगा, ऑप्शन नंबर सी व्यू मेन्यू विच, ठीक है जी। आप व्यू मेन्यू विच जाके आप व्यू मेन्यू तो टैप करके, ठीक है जी, उस तो बाद इतने की मिलेगा अपन मैक्रोज मिलेगा, फिर आप उत्ते क्लिक करांगे, उतों आप मैक्रोज नूं देख सकते हैं, उन्होंने रन कर सकते हैं, ठीक है जी, उन्होंने एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी, नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 55 देखो। एक स्प्रैड शीट में डाटा किमें ऑर्गनाइज्ड होंदा है। तो देखो जी, इतने अपना राइट ऑप्शन सबनों पता होना चाहिए गा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, रोज़ और कॉलम, ठीक है जी। कादे होंदा गा डाटा, रोज़ और कॉलम ही होंदा गा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 56 देखो। एक वर्कशीट में तुम सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, इतने अपना राइट ऑप्शन आजूगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव, ठीक है जी। आप एक वर्कशीट में MS एक्सल की एक वर्कशीट में पूरी वर्कशीट में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, केवल कलिया रो में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कल्ले कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ऑल ऑफ अबव बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। क्वेश्चन नंबर 57 देखो। एक्सल में किस टाइप के चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो देखो जी, इतने अपना राइट ऑप्शन आजूगा, ऑप्शन नंबर सी बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, ठीक है जी। तो देखो, तुम एक्सल में क्लिक करोगे इनसर्ट, इनसर्ट से क्लिक करने बाद ऑप्शन मिलेगा चार्ट का, ठीक है जी। चार्ट तुसी क्लिक करोगे तो उतों बॉक्स खुलूजूगा, जिदे भी तुहानू हर तरह के चार्ट मिल जाएंगे, बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, ठीक है जी, पाई चार्ट्स, तुसी उतों कोई भी सिलेक्ट करके ओके दे बटन ते क्लिक करके कोई भी चार्ट एक्सल दी स्प्रैड शीट उपर बना सकते हो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 58 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वे टू एंटर डाटा इन अ सैल। हाँ जी, इतने अपना राइट ऑप्शन आजूगा, ऑप्शन नंबर डी प्रेसिंग स्पेस बार, ठीक है जी। तो देखो, प्रेसिंग एंटर, एंटर दब के अपना जिहड़ा टाइप का कर्सर वो चालू हो जाता, ठीक है जी, वो एक्टिव हो जाता गा। प्रेसिंग एनी एरो की ऑन द कीबोर्ड, हाँ जी, ये भी आप कर सकते हैं। क्लिकिंग द एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार, हाँ जी, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रेसिंग स्पेस बार, स्पेस बार नाल आप नहीं कर सकते, सो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 69 देखो। तुम वर्टिकल और होरीजोंटल बार्स की वरतों किस लिए करते हो। तो देखो जी, वर्टिकल और होरीजोंटल बार्स होंगे कि नहीं गिया। तो देखो जी, अपने एक्सल की स्प्रैड शीट में वर्टिकल किनू कहें, इस तरह, ठीक है जी, इस तरह स्क्रोल बार होंगी, ठीक है जी। एक तो सबनों पता होना गा, एक अपनी होंगी हैगी
इस तरह स्क्रोल बार होंगी है, ठीक है जी। इनू की कहेंगे इनू होरीजोंटल कहें, ठीक है जी। किस लिए वरतों करते होंगे आप जी, व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ सैल, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आजगा, कद लिए कर देंगे वक् वक् आप रोज़ तो कॉलम में देखने तो उन्होंने एडिट करने लिए करते हैं, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजगा। चलो अगला प्रश्न देखो जी, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 60 देखो, एम एस एक्सल किसी नंबर को लेबल बनाने लिए किस सिंबल की वरतों होंगी है, तो देखो जी इतने अपना राइट ऑप्शन आजगा ऑप्शन नंबर डी अपोस्ट्रॉफी, ठीक है जी। आ सिंगल कॉमा होंदा गा, जे आप किसी नंबर के मूहरे सिंगल कॉमा लगा दें तो की बन जाता गा, लेबल बन जाता, ठीक है जी। एक स्टैटिक वैल्यू बन जाती हैगी, ये नोट करो इंपोर्टेंट आगा। जे किसी नंबर नू वैल्यू बनाउणा तां वैल्यू तो अपने आप बन जाती है, ठीक है जी। वैल्यू तो अपने आप बन जाती हैगी जो भी आप स्प्रैडशीट में किसी नंबर नू भर देंगे। जे किसी नंबर नू लेबल बनाउणा गा तां उहदे मूहरे की लग जाता हुंदा गा, अपोस्ट्रॉफी लग जाता, सिंगल कॉमे नू कहिंदे हुंदे, ठीक है जी। इहदे नाल की बन जाता गा, नंबर लेबल बन जाता गा। चलो अगला प्रश्न देखो जी, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 61 देखो, राइट क्लिकिंग समथिंग इन एक्सल, तो देखो जी इतने अपना राइट ऑप्शन आ जाऊगा ऑप्शन नंबर बी ओपन सा शॉर्टकट मीनू लिसनिंग एवरीथिंग यू कैन डू टू द ऑब्जेक्ट। तो देखो जी जो आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते होंगे गे तो अपने सामने की खुल जाता, एक बॉक्स खुल जाता जिद की होंगे गा जिद क्रॉप का कॉपी का कट का, ठीक है जी। सारे ऑप्शन दिते होंगे गे जो भी आप ऑब्जेक्ट ना कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल राइट आंसर आ जाता। चलो अगला प्रश्न देखो जी, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 62 देखो, एम एस एक्सल किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने लिए, हाँ जी ये तो सब को पता होना गा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आजगा, सिलेक्ट इट दैन प्रेस द डिलीट की, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 63 देखो, वैन क्रिएटिंग अ वर्टिकल पेज ब्रेक, तो देखो जी जो आप पेज ब्रेक करते होंगे गे तो देखो इस तरह होंदा अपना, जिम्मे रो आ गई 1 2 3 4, ठीक है जी। और 5 आप 4 तो बाद की करना गा पेज ब्रेक करना, ठीक है जी। तो आप की करांगे पंजवीं रो आ जी जिहड़ा पहला सैल हैगा उहनू सिलैक्ट करांगे, उस तो बाद क्लिक करांगे व्यू ते, ठीक है जी। व्यू ते क्लिक करांगे, उस तो बाद आप क्लिक करांगे पेज ब्रेक प्रीव्यू ते, ठीक है जी। जो पेज ब्रेक प्रीव्यू ते क्लिक करांगे तो अपना जिहड़ा की हैगा पेज ब्रेक हो जूगा, ठीक है जी। सो अपना जिहड़ा पहला सैल हैगा वह की बन जूगा, पहली रो का पहला सैल बन जूगा, ठीक है जी, क्योंकि आप आही सिलैक्ट किया। सो अपना की आजूगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, द एक्टिव सैल मस्ट बी इन रो 1, तो रो 1 में पहला सैल बन जूगा, ठीक है जी, जो भी आप सिलैक्ट किया। इस तरह आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो जी, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 64 देखो, एक फॉर्मूला बनाने लिए तुम वरत सकते हो, तो देखो जी इतने अपना राइट ऑप्शन आजगा ऑप्शन नंबर डी वैल्यूज़ एंड सैल रिफरेंस, ठीक है जी। आप वैल्यूज़ की वरतों भी कर सकते हैं गे तो सैलों की वरतों भी कर सकते हैं, ठीक है जी। जिमें आप फॉर्मूला बनाने गए इक्वल टू सम, इतने आप C3 ले लें, ठीक है जी। C3 अपना हो गया, तो वह आप जोड़ दें कोई वैल्यू 7 जोड़ दें, ठीक है जी। तो ये आप सैल भी ले लिया, एक वैल्यू भी ले ली, ठीक है जी। तो आप जोड़ा एंटर करा अपना की आजगा C3 की होजूगा 7 ऐड होजूगा, ठीक है जी। इस तरह आप फॉर्मूला बना सकते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो जी, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 65 देखो, जनवरी 1 2000 एक्सल की कंसीडर करेगा, तो देखो जी इतने अपना राइट ऑप्शन आजगा ऑप्शन नंबर बी वैल्यू कंसीडर करेगा, ठीक है जी। डेट में की मानता हूँ एक्सल वैल्यू मानता हूँ, नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 66 देखो, बिना माउस से एरो की दी वरतों दे तुसी स्प्रैडशीट दे A1 सैल ते किवें पहुँच सकते हो, तो देखो जी इतने अपना राइट ऑप्शन आजगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस होम नाल, ठीक है जी। तो देखो अपनी आ स्प्रैडशीट आ गई, तो ये की बने हुआ गया सैल बने हुआ, ठीक है जी। तो हूँ आप सैल से खड़े आगे, हूँ आ सैल तो सीधा आप इतने जाना A1 सैल से जाना, ठीक है जी। किवें जावे बिना माउस तो बिना एरो की तो, ठीक है जी। किवें जावे कंट्रोल प्लस होम दबाँगे सीधा आप कितने पहुँच जाएंगे A1 सैल से पहुँच जाएंगे, ठीक है जी। एड्रैस कितने दिता हूँ गा इतने दिता हूँ, ठीक है जी, नेम बॉक्स में नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 67 देखो, एम एस एक्सल प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू, हाँ जी एक कम करो आ क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट करके दस दो, ठीक है जी। आ क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट करके दस दो। सो अज आप जिन्हें भी प्रश्न किए गए एम एस एक्सल बारे सारे बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट ने गे, बार बार पेपर में रिपीट होंगे गे। तो अज आप जिन्हें भी पढ़िया गए सारे ध्यान एक बार फिर रिवाइज कर लियो। सो मिलेंगे थोड़ा अगली वीडियो में, गुड लक सारे, धन्यवाद।